में ही आएगा, उस लिहाज से वो बिजनेस में ही लगेगा। इसीलिए इन स्टॉक्स में हमने देखा है लगातार तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। चलिए कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हाल का हमने जिक्र किया था और हाल में एक अच्छा मोमेंटम बन गया है। अमित से 3300 के ऊपर निकल रहा है ये काउंटर, अब बताइए यहाँ पर क्या आप ट्रेड लेंगे? फ्यूचर्स में इनफैक्ट 3310 के भाव आ चुके हैं। जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं और आज के सत्र में हम वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मूव यहाँ पे देख रहे हैं। तो पोजीशन बनाई जा सकती है 3292 इसका कैश में प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 3260 रुपीज का। मुझे लगता है कि यहाँ पे 3350 के नियर टर्म टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल हाल पर एक व्यू आता हुआ। इस बीच हमारे साथ अमरीश बलीगा जुड़ गए हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। कोई खास ट्रेड आज के लिए, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें पैसे लगाने के लिए अच्छा दिन है? मेरे पास इनफैक्ट एक स्टॉक है जो आज के लिए नहीं है पर इट इज स्लाइटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, कृष्णा डायग्नोस्टिक। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, बोथ रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में। फुटप्रिंट है अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, करीब 3000 सेंटर्स है नेशन वाइड। ये वर्क करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, जहां ये बिड करते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स पर फॉर डायग्नोस्टिक सर्विसेज एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रूरल और अर्बन एरियाज में। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म का होता है, इसलिए विजिबिलिटी काफी अच्छा है। आयुष्मान भारत स्कीम इनके लिए काफी फायदा होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट डायरेक्टिव था ऑन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल चार्जेस, इसका इफेक्ट कृष्णा पर कुछ भी नहीं है। सो दिस इज एट द पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 35 का है और यहाँ मेरा टारगेट प्राइस बनता है 875 का। ओके, कृष्ण डायग्नोस्टिक, ये अमरीश जी के पसंद, 636.95 पे। मीनवाइल इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बिल्कुल, आई मीन अभी तक तो एज पर द स्क्रिप्ट ठीक कर रहा है। आई मीन कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी, याद रखिएगा। अब करीब करीब 22468 पे। डायरेक्टर साहब, मेरे को दस एक मिनट में आप तीन चार चीज़ें दीजिएगा। 22500, 600, 700 की कॉल और 22400, 22450 और 22350 की ये तीन पुट दीजिएगा। मीनवाइल जो हमने कल कुछ ट्रेड्स लिए थे उनको जरा स्क्वायर ऑफ करना है या नहीं करना है उसे बात कर लेते हैं। कल हमने क्लोजिंग में पहला ट्रेड लिया था दीवीज लैब, जिसकी मैंने टिप्पणी भी की थी कि ओआई रीजन्स 10 डे मार्क को क्रॉस करना, ये पुल बैक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस जनरेट कर रहा है। वो ट्रेड पिक किया गया था करीब 3330 पे, 3570 का भाव हो गया। रचना जी, अब ये टेस्ट कर रहा है 20 डे मार्क मोर और लेस, अभी इसको कंटिन्यू करें मैम या फिर इसको बुक कर लें एक बार के लिए, क्योंकि अच्छा खासा 40-50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस पर। जी, डीवी स्लैब की जहां तक बात है तो डीवी स्लैब में अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट अभी बना हुआ है और मेरे हिसाब से थोड़ी सी और स्पेस यहां पे अवेलेबल है। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर करीब करीब 3600 की तरफ जा सकता है, 3610 का टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। 3610 के करीब जब आएगा तब बुक आउट करेंगे तो दैट विल बी गुड। फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली डीवीज लैब में आपको दिख रही है। अच्छा, कुछ देर पहले वीरू ने मेंशन किया था कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल में मोमेंटम है ही, लेकिन साथ ही आप देखिएगा बाकी काउंटर्स भी इसी ग्रुप यानी कि इसी सेक्टर के। चंबल फर्टिलाइजर में करीब 2.5% की तेजी आ चुकी है, आपका दीपक नाइट्रेट में करीब 2% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, GNFC जैसा ट्रेड भी अब जोर पकड़ने लगा है, तो इन सब में थोड़ी थोड़ी करके पोजिशन बनने लगी है। आशीष बहेती, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको इस समय पसंद आ रहा है तो बताइए, पोजीशन ले। जी, पूरे केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। GNFC में काफी नीचे था ये स्टॉक और एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, 200 डेमा को आज अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जा सकता है, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो आज का स्विंग लो जो है 619 वहीं पे कैसे मेंटेन करना है। अगर इसका ये 200-200 डेमा का ब्रेकआउट आता है तो इसमें 650 तक के जोन खुल जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है। ये स्टॉक अभी भी 20-200 डेमा के नीचे चल रहा है बट सेक्टर टेलमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 619 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह 650 के टारगेट्स के लिए। GNFC रखिए रेडार पर, वहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, थोड़ी मजबूती बनती दिखाई देगी। अच्छा, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आपने नोटिस किया होगा ये NBFCs की धुलाई हो रही थी, आज थोड़ा सा उस धुलाई पर विराम लगा है। ऑफकोर्स IIFL का मामला अलग, वो JM Financial का मामला अलग, लेकिन थोड़ा सा ओवरहैंग था
OMCs, ये NBFCs में दोनों ही स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहे हैं, लेकिन आप बजाज फाइनेंस देखेंगे तो ये 2% ऊपर, चोला इन्वेस्टमेंट अब 3% के गेंस पर कारोबार कर रहा है, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में भी कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं, और साथ ही आपकी स्क्रीन पर M&M फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी आ जाएंगे, वहां पर भी शायद थोड़ी सी रिलीफ रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो बिकवाली का सिलसिला था उस पर हल्का सा ब्रेक लगा है या फिर कुछ साइन आया है कि पोजीशंस लेनी चाहिए मानस? देखिए आप अगर हम एनबीएफसी स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना बेहतर रहेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करें तो आई थिंक पीएफसी और आरईसी पे आप ध्यान दे सकते हैं। चोला फाइनेंस की भी आप बात कर रही थी, लेकिन चोला फाइनेंस में ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। बजाज फिनसर्व की बात करिए तो यहाँ पर भी ट्रेंड निगेटिव है, और तब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीएससी और आरईसी पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो पीएफसी पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 419 के स्टॉप लॉस से 450 के टारगेट के लिए। मानस का व्यू साफ है, सरकारी एनबीएफसी पर ध्यान दीजिए, वहां पर ज्यादा पोटेंशियल तेजी का है। अमरीश, लेकिन ये जो भी न्यूज डेवलपमेंट पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या आरबीआई की और सख्ती लार्जली अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर भारी पड़ेगी एनबीएफसी सेक्टर के लिए? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि और भी थोड़े बहुत इनके आएंगे नोटिसेस, क्योंकि हम लोग ने पहले देखा था पेटीएम पर, उसके बाद आया आईएफएल का और परसों आया जेएम का, तो क्लियर है कि आरबीआई का काफी क्लोज स्क्रूटिनी हो रहा है इस सेगमेंट में। तो आई मीन आई नॉट बी सरप्राइज्ड यदि और कोई आई मीन नोटिस आते हैं, सो वन नीड्स टू बी अ बिट केयरफुल। अभी इस मैंने इस टाइप में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा इस सेक्टर पे। ओके, इस बीच में एक थोड़ा सा देखिए, थॉट्स कभी कभी स्पेकुलेटिव इन नेचर होते हैं, कभी कभी डिफेंसिव इन नेचर होते हैं। एक स्पेकुलेटिव ट्रेड आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे हम मानस से। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा 500 की कॉल यूपीएल की। देखिए थॉट क्या है, थॉट ये है, इस 5 जनवरी से लेके अब तक यूपीएल ने नॉट अ सिंगल डे 10 डेमा के ऊपर क्लोज दिया और नॉट अ सिंगल डे 20 डेमा को टेस्ट किया, बट आज ये टेस्ट भी कर रहा है। तो हम ₹8.35 मानस इसका भाव है। मैं फिर कह रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली स्पेकुलेटिव इन नेचर, बट एवरेजेस कभी कभी अपना काम करते हैं। एवरेजेस में सक्शन पावर होती है, अपनी तरफ खींचते हैं और खींच के फिर फेंकते भी ऊपर की तरफ। आपका व्यू यूपीएल पे मानस? तो देखिए बॉटम तो बना है, क्योंकि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि जो पिछला लो था उसको स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया। मेरे ख्याल से 460-462 के आसपास बॉटम बना, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे और ट्रेड होने लगे, 15 मिनट देखिए, अगर ये 485-486 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो खरीदारी करने के मौके होंगे, उसके बाद तो आपको ₹520 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सही आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है, 500 वाला कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। बस आपको केवल इतना करना है 485-486 के ऊपर सस्टेन होने देना है 15 मिनट तक, उसके बाद आप यूपीएल का 500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इस ऑप्शन में ₹6 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं, और फिर आपके टारगेट इस ऑप्शन के लिए ₹20-25 के आसपास भी हो सकते हैं। जैम देखिए इसको टिकने दीजिए 485-486 के ऊपर, और मेरे स्क्रीन पे तो रोलिंग है जो करीब 487-60 पे है, और कोई बहुत बड़ा व्यू मत दीजिएगा, एक ऑप्शन में स्विंग अच्छा मिल जाए तो निकल भी जाइएगा, बट एज ऑफ नाउ ये ठीक ठाक करता हुआ 20 रेमा से जो इसका स्ट्राइक करने का बिहेवियर है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने का बिहेवियर है, वो एज ऑफ नाउ ठीक ठाक लगता हुआ। अच्छा, इंडेक्स लेके आइए 22472। इंडेक्स कुछ देर के लिए बीच में झूला था और निफ्टी ने एक डाउन स्विंग क्रिएट किया था करीब करीब 2458 का। एक बार ये एक्सपायरी डे है, जहन में रखिएगा, एक्सपायरी डे से पहले आप लगभग 300 पॉइंट का पुल बैक लेके इस ट्रैजेक्टरी में है, ठीक है। ऑप्शन राइटर कल ही मजे ले चुका है, उसको बहुत एक्सपेंसिव कॉल मिल गई थी बेचने के लिए। अब लेके आइए जरा आउटस्टैंडिंग वाइज लिखे आइए 3-4 स्ट्राइक्स के, एक बार रखेंगे और उसको थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। 3 स्ट्राइक्स आएंगी, पुट्स पे देखते हैं कंसंट्रेशन कैसा है। 22450 पे 59 लाख आउटस्टैंडिंग वाइज, लगभग 450 का करीब करीब 98 लाख है। 22400 का 1,46,00,000, दैट्स गुड, 1.46 ईयर, और ऊपर की तरफ 22500 पे 1,74। एज ऑफ नाउ ये इंडेक्स लग रहा है कि ये आपको 22420, फिर कह रहा हूँ, थोड़ा डेटा को रिवाइज कर रहा हूँ, पहले 388 था, अब वो हो जाएगा
क्योंकि पुट राइटर 22400 पे आ गया है, तो वो हो जाएगा अब 22420 और 22510। अभी ये 90 पॉइंट का क्लस्टर निफ्टी पर लग रहा है, इससे ऊपर की बात अभी नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी बैकफुट पे आता हुआ, अभी भी याद रखिएगा हमारे बाय जोन से काफ़ी दूर है, इट्स अब बाय आई थिंक स्टिल आई मीन 100 पॉइंट ऊपर है। हमने जो 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 जोन ड्रॉ किया था वो था करीब 79840 का। और अच्छा क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं, हर्षिता ने NBFCs की बात की, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों करीब करीब 1.5% ऊपर, एशियन पेंट्स राजेश जी ने पिक किया था, राजेश जी आपका ट्रेड बड़ा खूबसूरत रहा 8870, वो आपने पिडलाइट और एशियन पेंट्स के बीच के डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश की, आप उसमें सक्सीड हो गए, क्या बुक कर लें यहाँ पर या रहने दें अभी? आई थिंक रहना चाहिए, मुझे लगता है जिस तरह से ये रिवर्सल है, इसका पहला टारगेट 29.10, 29.20 होगा, मुझे लगता है ये स्विंग आना चाहिए, तो इट्स अ बाय, स्टिल अ बाय, इनफैक्ट बाय एंड होल्ड फॉर मी इन एशियन पेंट। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पिडिलाइट में बनती हुई, कल अच्छी तेजी के बाद आज एक फॉलो थ्रू स्टॉक में साफ देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड ये उभर कर आया है। चलिए अब तैयारी कर लेंगे चार का चौका की और माय जानकर आपको सभी ट्रेड्स बताएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देने वाले हैं, तो आप मानस रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बढ़िया ट्रेड निकाल कर रखिएगा। फिर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे राजेश जी से FNO सुपरस्टार के लिए, शिवांगी देंगी चार्ट का चमत्कार और साथ ही साथ अमरीश हमारे साथ हैं तो उनसे लेंगे हम मिड कैप फंडा का ट्रेड। तो ये ट्रेड्स आप लोग आइडेंटिफाई करके रखें, आपके पास तुरंत आएंगे अगले एक मिनट में। तब तक एक ट्रेड जो मैं आपकी स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ जिसमें इनफैक्ट अब पोजिशन और भी बढ़ गई है, वो ऑफकोर्स टाटा स्टील है, लगभग 3% के गेंस पर ये ट्रेड करता हुआ, 158 कभी भी छू सकता है, 156 डे हाई है इसका। इस ट्रेड को आप 158 तक रुकना चाहेंगे या फिर अभी टारगेट बढ़ाना चाहते हैं अमित? जी मैम, इंट्राडे के लिए तो 158 पॉसिबल है, पोजिशनली 160-165 भी पॉसिबल है, तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे, स्टॉप लॉस अब 154 तक लिया है इसका, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और बड़ी बात यह है कि पुल बैक पॉइंट से मिल रहा है हमें, ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, एक पुल बैक पॉइंट से मिल रहा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल था जहां पे ये ट्रेड पिक किया गया था। तो ये फिलहाल एक अच्छा पॉइंट, तेजी कंटिन्यू कीजिए, 158 हो सकता है अगले, बस 2 रुपए का मूव आना बाकी है। UPL फटाफट से आशीष बहेती आप देखेंगे प्लीज, कंसीडरिंग हम वैसे भी केमिकल पॉकेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेश आप बोल सकते हैं कि एक स्विंग मिल रहा है इसमें, 20 डेमा को आज रीटेक करने का कोशिश कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये इन लेवल्स पे अब खरीदारी की जा सकती है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 470 का एक ऐसे मेंटेन करे, मैं लग रहा है जिससे आपका मोमेंटम बना हुआ एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा भी है, तो 499 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तेजी का ट्रेड तो मानस को भी पसंद है और अब भयती साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा मौका खरीदारी का साफ बन रहा है। चलिए अब चार का चौका शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस बताइए। तो देखिए मेटल पे ही श्रद्धा जी ध्यान है, तो ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो सेल के स्टील अथॉरिटी के 145 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, 5.70 रुपए के भाव चल रहे इस ऑप्शन में, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से 9 रुपए के टारगेट के लिए। अगर हम पैटर्न की बात करें तो सेल का जो पैटर्न है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन हम यहाँ से आपको करीब 8-10 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए सेल के 145 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, सेल के 145 के कॉल ऑप्शन में, बहुत ही एग्रेशन में ये स्टॉक याद रखेगा, पूरे मेटल्स का सबसे एग्रेसिव स्टॉक है इस वक्त ये। FNO सुपरस्टार राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मेटल पे फोकस होगा, JSPL देखिए, JSPL में हमने एक ब्रेकआउट पकड़ा था, ब्रेकआउट के बाद कूल ऑफ, और ये जो कूल ऑफ हुआ था वीरेन जी वो एग्जैक्टली इसके नेकलाइन के ऊपर हुआ, नेकलाइन जो है वो करीबन 835 के आसपास है, एट प्रेजेंट इट इज एट 849, एज पर द चार्ट्स आर कंसर्न मुझे लगता है इवेंचुअली ये 900 के पार चला जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हमें जो करना है इसका पहला टारगेट होगा 872 का, सो हम बाय करेंगे JSPL अबव 845, आवर स्टॉप लॉस विल बी एट 835, 835 का स्टॉप लॉस, 870 पहला टारगेट वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है बड़ा मूव मिलेगा इसमें। 870 के लिए एक बड़ा मूव की तैयारी यहाँ पर इसीलिए आया है आपके लिए FNO सुपरस्टार। अब शिवांगी से जानेंगे कि क्या ट्रेड बनेगा, बताइए चार्ट का चमत्कार में। सरकार के लिए मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है डेली फ्रेम में
एंड अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हो रहे हैं. पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है. इनफैक्ट हमने एक नारी निवेशक बास्केट भी रिलीज किया, उसका भी पार्ट है कल्याण ज्वेलर्स. तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है हम एंड खरीदारी की सलाह रहेगी. इमीडिएट टारगेट्स जो है 425 के बनते हुए दिख रहे हैं पोजिशनली फिर और है. एंड स्टॉक जो है 395 का एक मेंटेन करें. ओके तो यहाँ पे आप 407.95 पे कल्याण जो कैश की कॉल आपने पिक किया यहाँ पर. ओके दैट्स गुड. मीनवेल आप चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए अमरीश पलिका जी के पास. अमरीश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा पिक है डिलीवरी. ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इनका इन द 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज जो है एक्सप्रेस पार्सल, पार्सल ट्रक लोड और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में. 25% मार्केट शेयर है इंडिया का ओवरऑल ई कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल मार्केट में और ये मार्केट करीब ओनली लाइक 3% ऑफ द टोटल लॉजिस्टिक्स मार्केट और ग्रो कर रहा है करीब 30% कैगर पे. Q3 में ये प्रॉफिटेबल हुआ था नेट लेवल. ग्रॉस मार्जिन्स इनके है करीब 5% के. बाय FY26 इनका जो ग्रॉस मार्जिन है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 30-35%. तो अर्निंग्स के बाद हम लोगों ने मोमेंटम देखा इस स्टॉक में और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा. तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ओवर द नेक्स्ट मंथ और 2 months मेरा टारगेट है 525 का. ओके तो डिलीवरी में एक अच्छी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है आगे और 525 का टारगेट अमरीश को पसंद है ये स्टॉक. चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए सामने रख देती हूँ. हमने शुरुआत की मानस के साथ. सेल पर एक सस्ता ऑप्शन का ट्रेड आया है 145 का. यहाँ पर आप कॉल लेकर चलेंगे. 9 का टारगेट रहेगा. 3.90 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए. फिर आया JSPL. तो मेटल्स पर फोकस है राजेश सातपुते का भी. 872 पहला टारगेट. आगे 900 के पार भी जा सकता है ये ट्रेड. 835 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा. कल्याण ज्वेलर्स पर बुलिश है शिवांगी. इन्होंने टारगेट दिया 425 का. 395 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करता हुआ दिखाई देगा. और फिर आपके लिए लेकर आएंगे डिलीवरी, वो ट्रेड जो अमरीश को पसंद है 525 के टारगेट के लिए. ये है वो तमाम ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशंस आप ले सकते हैं या फिर कोई पोजीशन ले सकते हैं. अच्छा, इस बीच सरकार ने फेम टू स्कीम की म्याद जो है वो 4 महीने और बढ़ा दी है. तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव. TVS मोटर, हीरो मोटर, सारी बेसिकली फेम टू ये ईवी व्हीकल्स के लिए पॉजिटिव साबित होती है. तो उस लिहाज से 4 महीनों का एक्सटेंशन मिला है. शिवांगी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही जब वो कल्याण ज्वेलर्स पर राय दे रही थी. वीरू पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, उन्होंने कहा कि एक विमेन इन्वेस्टर्स के लिए खास बास्केट तैयार की गई है. शिवांगी और डिटेल शेयर कर पाएंगी कितने स्टॉक्स हैं, किस तरह के ट्रेड्स हैं ये? जी बिल्कुल, धन्यवाद नोटिस करने के लिए. हमने कुछ 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और हम देख रहे हैं कि वुमेन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70-80% कंजम्पशन पावर रखते हैं, डिसीजन मेकिंग रखते हैं. तो पूरे इस माइंडसेट को ध्यान रखते हुए हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि चेंजिंग लाइफस्टाइल्स और यू नो शॉपिंग और जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्कफोर्स, उन सबको ध्यान रखते हुए टेक्निकली और फंडामेंटली हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ऑफकोर्स पूरा रिपोर्ट आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगा. तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स यहाँ पर आते हुए. धन्यवाद शिवांगी जी. आप कम से कम 30% स्कोप आपने पुरुषों के लिए रखा है. ये अपने घर का बता रही है, यूनानिमस बता रही है आप ये? जी बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे पैनल में सभी अग्री करेंगे कि ये यूनानिमस है. यस, इट्स यूनानिमस. कोई मौका देता है डिसाइड करने के लिए कि घर के लिए क्या चीज खरीदनी है? आपको ये मौका मिलता है? है ऐसे आप कम ही मिलता है. मुझे तो लिस्ट मिलती है, ये बता. हाँ, मुझे तो लिस्ट मिलती है. वही मैं कह रही हूँ, आपको लिस्ट मिलती है क्योंकि डिसाइडिंग पार्टी कोई और है ना, डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं. उसी पर फोकस है शिवांगी का भी. बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट. शिवांगी का एक बड़ा अच्छा वीडियो था इनके लास्ट जन्मदिन का, मुझे याद अच्छी तरीके से, गिफ्ट योरसेल्फ. मतलब उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था. कभी ऐसा मौका मिले तो देखिएगा. बट यस, चलिए. अच्छा, कुछ देर में वुमेन्स डे पे स्पेशल अमीषा बोरा जी से एक डिस्कशन आ रहा है CNBC आवाज पे 10:05 पर. ये अभी कुछ देर में प्रस्तुति शुरू होगी, इस पर जरूर भाग लीजिएगा. बड़ा अच्छा डिस्कशन इनके साथ होगा आज खास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अमीषा बोरा जी के साथ. मीनवाइल इंडेक्स रिट्रेस हुआ, थोड़ा सा और रिट्रेस हुआ है और
कॉल राइटर्स 2500 पे ग्रिप लेते हुए, बट द स्टार ऑफ द डे टाटा केमिकल्स लगभग 6.5% ऊपर ऑल टाइम हाई। और जो वो दिवीज लैब का ट्रेड था, जरा स्क्रीन पे रखिएगा, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। दिवीज लैब अब आपकी स्क्रीन पे, कल हमने ये बिल्कुल लोअर ट्रेजेक्ट्री में पिक किया था, इट्स 3584 नाउ। और इस स्क्रीन पे क्या कर रहा है, अच्छा जो कभी भी आई थिंक एक बड़े एग्रेशन में बदल सकता है, और मैं स्टॉक रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, एक है नालको 166.50 का स्क्रीन पे प्राइस है। ये अमूमन लेट पार्टिसिपेट करता है, बट जब करता है तो पूरे एग्रेशन के साथ। और मैं आपको याद रखिएगा, जब हर्षदार में परसों क्लोजिंग में थे तब भी क्या था, मैं आपको ठीक है एक हाउस व्यू के मुताबिक मेटल्स पे सॉफ्टनेस की बात की गई है, बट प्राइस वैसा नहीं है, प्राइस नीचे टिकने को तैयार ही नहीं है। आज भी टाटा स्टील, जे एस डब्ल्यू स्टील सेल इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहे हैं। आशीष पहती जी, आपका टेक नालको पर 166.50। जी वीरेन जी, कल बीच में जो गिरावट आई थी उसमें काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली, और स्टॉक 20 डे मार्क पे जरूर इंट्राडे कल स्लिप हुआ था और वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। आज वापस कल के हाई स्कोर गेन करने का कोशिश अटेम्प्ट कर रहा है ये, तो अभी भी इन लेवल्स पर खरीदारी की चला रहेगी। 170 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 162 पे कैसे मेंटेन करें। ओके, तो ये फिलहाल नालको में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। घूम फिर के ट्रेड्स वहीं पर घूम रहे हैं मेटल साइड पर, जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस क्लियरली टाटा स्टील ने अपने हाथ कर ली है, ले ली है। बजाज फाइनेंस फिनसर्व में भी थोड़ा थोड़ा करके पोजीशनिंग तेजी की बनी है। अमित, कोई ट्रेड लेंगे क्या इन दोनों काउंटर्स में, स्पेशली बजाज फाइनेंस, क्योंकि बीच बीच में पोजीशंस आ रही है तेजी की तरफ। जी मैम, एक पिवट रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे जरूर बन रहा है, एक अहम सपोर्ट भी है अगर देखा जाए वीकली चार्ट्स में, और ओवरऑल मुझे लगता है अगर ये 10 डेमा क्रॉस करता है जो कि लगभग 64-60 के आसपास है, तो एक 20 डेमा तक का मूव आ सकता है 6583, तो पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका लगभग रखेंगे 63.75 का, और टारगेट्स रहेंगे 65.50 से 6600 का, एक पुल बैक रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से। ओके, तो ये एक पुल बैक रिवर्सल ट्रेड आपके लिए क्लियरली बनता हुआ, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, लेट्स होप कि अपने मोमेंटम को सस्टेन करे स्टॉक। अमरीश सिरमा, SGS पर आपकी नजर गई है क्या लेटली? आज CLSA की रिपोर्ट आई, इन्होंने टारगेट 645 का रखा है, और ये पूरी EMS स्कीम अच्छी खासी तेजी में रही है, एटलीस्ट पिछले साल के अंत में और इस साल की शुरुआत में। क्या मौका आप भी ढूंढ रहे हैं सिरमा जैसे काउंटर्स में पोजीशन लेने का? एब्सोल्युटली, यहाँ पे हम लोग का जो कॉल आया था रिसेंटली आया था करीब 510 लेवल्स के आसपास आया था, एंड हम लोग का भी जो भी टारगेट है एक साल का करीब 680 का है। बट देन मैं बोलूंगा दिस कैन बी अ मल्टी बैगर, यदि कोई एक 4-5 साल रखे तो मल्टी बैगर होगा, तो डोंट लुक एट 1 ईयर, लुक एट अ लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना है, सिर्फ एक साल का नहीं, एक लंबी रेस का ये घोड़ा साबित होता हुआ दिखाई देगा। 4.25% ऊपर ये ट्रेड का इस समय कर रहा है कारोबार। अच्छा, एक और काउंटर जो वायदे बाजार में अपनी पोजीशंस को और मजबूत करने में लगा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ओरेकल फाइनेंशियल। और रचना जी, आपको याद होगा ओरेकल फाइनेंशियल का जिक्र कल भी हुआ था, 8140 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या एक्सटेंड करनी चाहिए उसमें पोजीशन अपनी तेजी में? जहां तक OFSS की बात है तो यहाँ पे एक्सटेंड डेफिनेटली कर सकते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि चार्ट का सेटअप बढ़िया है। कल का दिन जो था वो पहला दिन था और आज उसमें कंटिन्यूएशन भी नजर आ रहा है, प्राइस जो है वो कल के हाई के ऊपर बैठा हुआ है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ पे अगर ये काउंटर अब 7980 अगर होल्ड करता है तो ऊपर वाली साइड पे हमें आने वाले टाइम में ये काउंटर 8420 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 7980 का SL लगा है और मल्टी डे पोजीशन है ये, और उसको कैरी करें तो 8420 तक का टारगेट बन सकता है। ओके, तो ये 8420 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है, मोमेंटम है स्टॉक में, पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में धीरे धीरे करके फिर तेजी बनी है। आज भले ही बाकी निफ्टी आईटी में परफॉर्मेंस तेजी का ज्यादा नहीं हो, लेकिन ये स्टॉक है जो पॉजिटिव टेरिटरी दिखा रहा है। चलिए, अब आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक ऑफ द डे, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपनिंग अच्छी हुई लेकिन ऊपरी लेवल से इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, आशीष स्टॉक्स में कहां एक्शन ज्यादा? बिल्कुल, जो खबरों वाले स्टॉक्स इस समय एक्शन में है भाई, सबसे पहले तो जो हॉट स्टॉक्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा
और साथ में एनएलसी इंडिया आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। वो लास्ट ट्रेड हो गया, 0 से 3% का वो बैंड था डिस्काउंट का, जो खबर रही थी हमारे पास, 3.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, दिक्कत में है एनएलसी इंडिया। खैर सरकार का ओएफएस खुला हुआ है आज, बट ऑब्वियस था दबाव में रहेगा, 3.5% कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। उसके बाद कार ट्रेड, बहुत दिनों बाद रडार पे आया। दरअसल कल के जो लास्ट ट्रेड की सीएनबीसी वाला चर्चा कर रहा था, उसके बाद हरकत पे 6.5% इस समय कार ट्रेड मजबूत है। और हाईलाइट था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कल 9.5 लाख शेयर्स के आसपास जो खरीदे। एक और छोटी कंपनी जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसको ऑर्डर मिला था, उसके बाद ये स्टॉक हरकत में है। ये देखिए आप, 4%, कुछ देर पहले तो 5% ऊपर था, 135 करोड़ रुपए का रेलवे से ये ऑर्डर इनके पास आया है। HAL, मेरे ख्याल से वायदा के एक चुनिंदा टॉप गेनर्स में से एक, सबसे ज्यादा तो खैर फिर से टाटा केमिकल चल रहा है, अदरवाइज ये दूसरा है, 2.5% उछाल। HAL ने ऑर्डर एनहांसमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की न्यूज दी थी, उसका फायदा शायद इसको मिलता हुआ। ISMT पहले तो 4% तक शायद ऊपर था, अभी भी 2-3% मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, इसकी बोर्ड मीट है आज, है इंटरिम डिविडेंड पे फैसला करने के लिए। और एक स्टैक के साथ छोड़ा जाता हूं, ये काफी दिनों बाद स्टैक हरकत में है, हालांकि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, कोई अवंती फीड्स, कोई एपेक्स फ्रोजन, कोई वाटर बेस, ये सब रेडार पे हैं। इसी का पियर सेट मुक्का प्रोटीन्स अब से कुछ ही देर बाद लिस्ट होने आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स उस आईपीओ को मिला था, इसीलिए ये पूरा पैक आज थोड़ा सा रडार पे आता हुआ। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स यहाँ पर आशीष ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन एक अच्छा मूव इन सब स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच आपकी स्क्रीन पर आएगी वो लिस्टिंग का अपडेट। आज वैसे भी ये पूरा मार्केट हॉट है लिस्टिंग्स के लिहाज से, काफ़ी ज़्यादा इशूज़ बाजार में। मुक्का प्रोटीन की जो पारी की शुरुआत हो रही है वो 44 के आसपास 57% के प्रीमियम पर, दरअसल ये थोड़ा सा प्राइस दिखा रहा है, इस पर नजरें रहेंगी। याद रखिएगा 28 का इशू प्राइस था, तो लियरी 44 के आसपास ये पारी की शुरुआत करता हुआ। मार्केट ऊपरी लेवल से अपनी चाल को थोड़ा सा लूज कर रहा है, तेजी नहीं रही है। अब 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ निफ्टी आप गौर करेंगे तो करीब करीब 6 पॉइंट नीचे है। यहाँ से आगे किसका सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप सभी जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मानस और अमित, आपसे गुजारिश है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ब्रेक के ठीक बाद आपसे भी बातचीत होगी 10 के दमदार ट्रेड में। यहां पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया। सपोज करिए बैंक्स भी चलने लग गए तो HDFC बैंक अब तक चला नहीं है, उसकी पूरी मीम फैक्ट्री बन चुकी है। अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना था? 48,000 समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर, जैसे एक बार भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली साफ देखने को मिल रही है। आज का हाई था 22,500 के ऊपर, वहां पर शुरुआत हुई लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स अपने आप को, ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ बनता हुआ। निफ्टी बैंक स्पेशली कल जितनी यहां पर तेजी बनी और जितना सपोर्ट आया, आज वहीं पर सबसे पहले मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही। तो दो चीज़ें आपके सामने रखेंगे, एक तो निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स और निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो उससे साफ अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ सपोर्ट है तेजी की तरफ और कौन से स्टॉक्स दरअसल बाजार को ऊपरी लेवल से नीचे खींच रहे हैं या फिर ऊपर में दबाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकर आइएगा प्लीज वो निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स पहले, तो एक झलक उस पर नजर डाल ले कि क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। दिग्गजों में आज के लिए मेटल कंपनियों में पूरा जोश देखने को मिला है, तो टाटा स्टील, JSW तेजी में, बजाज फिनसर्व और UPL तेजी की तरफ है। लेकिन ICICI बैंक कल का आउट परफॉर्मर आज 16 पॉइंट का दबाव डाल रहा है। M&M में दबाव की गुंजाइश थी क्योंकि वो ब्लॉक डील हुई है, लेकिन रिलायंस BPCL में भी कुछ मुनाफा वसूली के अंश साफ तौर से बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब निफ्टी बैंक की ऐसी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, जाहिर तौर पर उसमें ICICI बैंक शामिल होगा और साथ ही एक्सिस, कोटक जैसे स्टॉक्स भी हैं जो मंदी की तरफ आज आए हैं, यहाँ पर ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली देखने
को मिली है, लेकिन तेजी में स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक का साथ है। तो ये दोनों दरअसल एक निजी क्षेत्र का दिग्गज बैंक और दूसरा देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक, उनमें खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही, उनकी तरफ से क्लियरली सपोर्ट है। हमारे जानकार अब बताएंगे आपको नया ट्रेड क्या बनता हुआ दिखाई देगा। इस बीच आईपीओ लिस्ट हो चुका है मुक्का प्रोटीन्स का, 28 के इशू प्राइस के सामने इस समय करीब करीब 40 के लेवल्स दिखाता हुआ, तो नियरली 42% के प्रीमियम पर यहाँ पर पारी की शुरुआत ये स्टॉक कर रहा है। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलते हैं। हमारे साथ दे रहे हैं आज मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले शो से, फिर प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत से बातचीत होगी और सचिदानंद उत्तेकर को भी जोड़ेंगे, इनके टॉप ट्रेड्स लेंगे। मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आज प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और MD अमीषा वोरा जुड़ने वाली हैं। इसके अलावा टाटा सन्स में जो लिस्टिंग की तैयारी हो रही है उससे कितनी वैल्यू अनलॉकिंग एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर्स में उभर कर आएगी, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है मार्केट में, उस पर सुमित को भी जोड़ेंगे आगे। लेकिन पहले जानकारों से ले लेते हैं ट्रेड। बताइए मानस, इस समय ताजा तस्वीर मार्केट की आप कैसे पढ़ रहे हैं और ट्रेड क्या लेंगे? देखिए ये सही है कि हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट हमें याद रखना है कि कल बहुत ही बढ़िया रैली लोअर लेवल से देखने को मिली थी, तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है और मेरा समझना है कि 22,700 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कोई भी करेक्शन देखने को मिले तो 22,325 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की ही राय रहेगी। जहां तक बात स्टॉक स्पेसिफिक है, सबसे पहले तो चंबल फर्टिलाइजर पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कुछ दिन पहले, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो चंबल फर्टिलाइजर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 364 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 395 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चंबल फर्टिलाइजर्स में। दूसरा स्टॉक जो मेन नजर में है वो टाटा पावर का है, टाटा पावर में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। आप देखिए तो कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 396 का स्टॉप लॉस लगाइए और 412 रुपए के टारगेट सेट करिए। चंबल का जिक्र मैंने आपको ओपनिंग के बाद सबसे पहला स्टॉक किया था, सो प्राइस था करीब करीब 366, अब 376 है। आज हॉट स्टॉक्स को भी जिक्र किया गया था, मूव बहुत शानदार, आज 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 लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने वाले स्टॉक्स का दिन है। सचिन गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अर्शदा। यहाँ पर मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, लगभग अराउंड 22,530 से लेके 22,410 के रेंज में, एंड कहीं जाकर जो दबाव हमने अभी तक बैंक्स में देखा है, निफ्टी बैंक में देखा है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पर मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्पेशली निफ्टी बैंक का अगर हम लेवल देखें तो 47,680-700 के आसपास एक आइडियल सपोर्ट जोन है जहां से एक अच्छा पिकअप ऑफ मोमेंटम होगा। सो आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति यहाँ पर कंटिन्यूड होगी, एंड प्लस जिस तरीके से स्टॉक्स आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि काफी सारे ऐसे बीटन डाउन स्टॉक्स है जहां पर रिवर्सल्स के साइन है, तो उसमें से डिवीज लैब का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एक काफी क्लासिकल डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसके प्राइस टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 3760 के आसपास प्लेस्ड है 60 मिनट्स पे। जो एक अच्छा डाइवर्जेंस था वो डाइवर्जेंस का ही इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो 3560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन एड करने की सलाह होगी 3760 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, इनफैक्ट कल तक का डेटा काफी सपोर्टिंग था शॉर्ट्स के लिए, बट जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज हुआ है एंड एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है प्राइस एक्शन पे, मुझे लग रहा है IRCTC पे जरूर ध्यान देना चाहिए। पिछले चार दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक प्राइस एक्शन एक्सपेंशन में नजर आ रही है, तो इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम बन रहा है वो 980 से लेके 1020 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 936 पे एंड खरीदारी करनी है IRCTC के फ्यूचर्स में। ओके, दो ट्रेड्स आपके और दिवीज लैब याद रखिएगा, आप करीब करीब हो गया 3590, एक ट्रेड हमने कल 3530 से पिक किया था सुबह, उसको एनालाइज किया एक बार फिर से और बात यही हुई थी कि होल्ड करिए इसको, अभी ये पैसा बना के और देगा। नाउ इट्स 3760 जो कि हमारे मेहमान बिलीव करते हैं जहाँ तक चला जाएगा स्टॉक। ये शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स।
जी मेरा पहला बाय रहेगा जीएनएफसी में. जीएनएफसी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे मुझे लगता है 655-660 के लेवल्स डेफिनेटली आपको ऑन इमीडिएट बेसिस ही आते हुए मिलेंगे. सपोर्ट यहाँ पे 635 का मेंटेन कीजिए, या फिर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली 21 रुपये के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ पे 27 से लेकर 30 का टारगेट आप एम कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड शिल्पा की तरफ से आया है. अमित, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी मैम, मेरे दो ट्रेड्स में पहला रहेगा ओएनजीसी. ओएनजीसी काफी स्ट्रेंथ वाला काउंटर है. कल के सत्र में हमने थोड़ा सा एक शेकआउट देखा था जहां स्टॉक ने अपना 10-day रिविजिट किया था. आज एक पिवट पैटर्न बना के कैंडलस्टिक्स पे वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है. 283 का प्राइस है, 279 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 290 के. सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक. यहाँ पे भी काउंटर में काफी स्ट्रेंथ है. एक कल इसने अपना लोअर ट्रेजेक्टरी 10-day रिविजिट किया था, वहां पे सपोर्ट लेके वापस स्टॉक एक स्विंग की तरफ जा रहा है. इसमें एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड है. 211 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स लगभग 218 और 220 के रहेंगे. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स BEL और साथ ही ONGC के साफ आ रहे हैं. मिड कैप काउंटर्स, मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर अब एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला है. 250 पॉइंट तक की तेजी आती हुई और जो लोस टेस्ट किए थे निफ्टी ने वहां से कुछ रिवर्सल साफ बनता हुआ दिखाई दिया है. तो 22,500 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड फिर से लौटाता हुआ दिखाई दे रहा है. तो थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, वो एक साइन अच्छा है. तो ऊपरी लेवल से जो थोड़ा सा शेकआउट आया और उसके बाद खरीदारी आना शुरू हो गई है. वीरू, अब पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, ये जो खरीदारी का लेग आया है इस मार्केट में, डे लो से जो रिकवरी आई है उसमें IT कंपनियां फाइनली पार्टिसिपेट करने लगी हैं. तो कल का जो मोमेंटम था और आज सुबह की ओपनिंग में नहीं दिखाई दिया, इस समय टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, विप्रो, HCL टेक धीरे धीरे करके ही सही लेकिन हल्की हल्की पॉजिटिव साइड पर आते हुए. जी, और रिलायंस एक बार फिर से थोड़ा सा मूव देता हुआ. हर्षदा ने बिल्कुल सही मार्क किया. आई मीन इट्स IT जो कि डिलीवर करता हुआ और IT में लोअर शैडो थोड़ी सी वाइल्ड हो गई है. और बैंक निफ्टी का लो देखिए प्रिसाइसली दैट 840, क्या बात कर रहे थे हम ओपनिंग के बाद, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 47840 और आप देखिए एग्जैक्टली वही जोन है. बट इट्स जो हर्षदा ने स्ट्राइक किया उसको थोड़ा सा और फोकस करते हैं. 37041 जरा स्कैनिंग करते हैं एक एक करके, एक एक स्टॉक की. क्या ये किसी सीरियस पुल बैक में कन्वर्ट हो सकता है? कौन कौन से कैंडिडेट अच्छे से प्लेस्ड हैं? कोफोज बिलो 50 रेमा, नो कन्विक्शन. उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज, हाँ HCL को मार्क करके रखते हैं 1647. इसका रिट्रेसमेंट हुआ था तो टूवर्ड्स 20 रेमा, ठीक है ये भी. इन्फोसिस छोड़ते हैं, उसके बाद LN टेक्नोलॉजी सर्विसेज छोड़ते हैं. LTI माइंडट्री 5183, पहली एक लोअर एजिस पे एक अच्छी कैंडल क्रिएट होती हुई. एम्फेसिस बैकफुट पे सरेंडरिंग 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्टेंट ठीक ठाक करता हुआ. और TCS अच्छा प्लेसमेंट है 4071 का. उसके बाद टेक महिंद्रा 1278. मेरे ख्याल से अब तक जितनी भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर देखी उसमें शायद HCL टेक्नोलॉजीज. आपकी राय शिल्पा जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको वुमेंस डे की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो कि 8 मार्च को होता है, अग्रिम शुभकामनाएं मैम. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिन की. ये बताइए HCL टेक्नोलॉजीज पे व्यू आपका. आज यहाँ पे IT ही है जो अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है निफ्टी को. यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज जब तक 16 सस्टेन करता है, एक पोजिशनल व्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव है फॉर टारगेट्स ऑफ 1720 से 1740. अगर किसी को अभी इंट्राडे में भी ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है आप 1630 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड गो लॉन्ग. यहाँ पे 1670 से 1680 भी आपको आते मिलेंगे. HCL टेक्नोलॉजी 1647 पे आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है. निफ्टी अभी उस थ्रेशहोल्ड पॉइंट को पार करने के मूड में नहीं है. एक बार फिर से अगर आप देखें 22500 की ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा स्लिप हुआ, 22486. और अच्छा मूव कौन सा दे रहा है स्टॉक जिसमें मूव है? IGL थोड़ा सा लोअर लेवल से पुल बैक है यहाँ पे, बट अभी भी अगर आप देखेंगे कोई सीरियस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हुआ है. टाटा पावर रखिएगा एक बार स्क्रीन पे. डॉक्टर साहब, टाटा पावर पे बात तो नहीं हुई ना, 405 और ये अब धीरे धीरे अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में आता हुआ हुई है बात. मानस ने कॉल दिया. मानस, कोई ऑप्शन लेंगे क्या? क्योंकि अब ये उस 8 फरवरी के कैंडल के ऊपर आने की पूरी कोशिश करता हुआ.
बिल्कुल कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने तो टारगेट 412 के दिए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इस मंथ की एक्सपायरी की बात करें तो शायद आपको 425 430 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो 410 वाला कॉल ऑप्शन टाटा पार्क लिया जा सकता है, 12 रुपए ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 7 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 25 रुपए के टारगेट पोजिशनली सेट करके चल सकते हैं। टाटा पार में एक अपॉर्चुनिटी के लिए अभी भी है, मानस ने कॉल इसी आधे घंटे की शुरुआत में दिया था। चलिए, क्योंकि टाटा पावर मेंशन हुआ है, टाटा ग्रुप शेयरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से ही ये खबरों में रहे हैं। टाटा मोटर्स में हमने देखा वो ऑफकोर्स अपने बिजनेस को स्प्लिट करने की तैयारी, उसके बाद कल हमने देखा था टाटा केमिकल्स में एक फॉलो थ्रू अच्छा खासा तेजी का बना, आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। इस सब के पीछे जो टाटा ग्रुप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं एक कारण है, कारण ये है कि टाटा सन्स इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका जल्द ही दरअसल IPO आ सकता है। अब किस तरह का बेनिफिट इन टाटा ग्रुप कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा अगर ये IPO आता है, कब तक आएगा ये IPO, ये सारी रिसर्च दरअसल सुमित ने करती है और सुमित हमारे साथ हैं यही बताने के लिए। सुमित बताइए। तो एक मेगा IPO टाटा सन्स, एक लंबे अंतराल के बाद ये IPO आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये रिसेंटली RBI के कुछ फैसलों के बाद अब 1 से 1.5 साल के अंदर ये IPO आने की बातचीत है बाजार में कि ये आ सकता है, क्योंकि एक मेगा कंपनी है, एक बड़े सारे इन्वेस्टमेंट हैं, देश की अलग अलग बड़ी दिग्गज कंपनियों में इसका निवेश है। तो करीब करीब 1 से 1.5 साल में IPO आएगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के बीच में कहीं इस कंपनी की वैल्यू बैठते हुए दिखाई पड़ेगी और जो IPO का साइज रहेगा रफली 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपये के बीच में आने का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। टाटा केमिकल, टाटा मतलब ये इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है और कई सारी कंपनी क्रॉस होल्डिंग है जिसमें आता है टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स, टाटा पावर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। पहले इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, टाटा सन्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोराबजी ट्रस्ट करीब 28% हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स में, रतन टाटा ट्रस्ट करीब 24%, अन्य ट्रस्ट करीब 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट करीब 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट करीब करीब 9%, ये मेगा शेयर होल्डर्स हैं। इसके बाद आती हैं वो लिस्टेड कंपनियां जिनके स्टेक की वैल्यू है, मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स 3% की एक हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल्स करीब 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2% की हिस्सेदारी रखता है, इंडियन होटल 1% की हिस्सेदारी रखता है और बाकी अन्य कंपनियां जो हैं वो 7% के आसपास की हिस्सेदारी, अन्य मतलब और लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनीज जो इनकी स्टेक रखते हैं वो ये 7% है। अभी कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगा टाटा केमिकल के लिए, टाटा केमिकल जिसकी मार्केट कैप करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है, 19,800 करोड़ का स्टेक का वैल्यू 3% हिस्सेदारी के हिसाब से बैठता है, यानी कंपनी की कुल मार्केट कैप का ये कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से 66% के आसपास का हिस्सा सिर्फ टाटा सन्स की स्टेक की वैल्यू का है, बाकी कारोबार 10,000 करोड़ रुपए के आसपास या 12,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का बैठता है। टाटा केमिकल के अलावा दूसरा नाम आता है टाटा पावर, ये टाटा केमिकल नहीं है, ये है टाटा पावर, जहां पर करीब 1,25,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है, 12,000 इसके स्टेक की वैल्यू है और 10% हिस्सा मार्केट कैप के हिसाब से होता है। जहां टाटा पावर लिखा है वो है टाटा मोटर, करीब करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इसकी मार्केट कैप है और मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखा जाए तो 6% हिस्सा टाटा मोटर्स का इसकी मार्केट कैप टू इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से बैठेगा। और लास्टली इंडियन होटल करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, 8,700 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और करीब 11% के आसपास के इसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बैठेगा। तो वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो कुल कारोबार के, कुल मार्केट कैप का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है टाटा सन्स के अंदर वो सबसे फेवरेबल है टाटा केमिकल में, इसीलिए पिछले 3 दिनों के अंदर टाटा केमिकल में एक धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। देन अगर आप किसी को देखना चाहेंगे तो वो आएगा इंडियन होटल, देन टाटा पावर और लास्टली टाटा मोटर, की ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। तो इस IPO की बड़ी अनलॉकिंग का फायदा टाटा केमिकल को आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस लिहाज से इस स्टॉक के ऊपर आप और अच्छी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। शुक्रिया सुमित, और वाकई अगर आप समझ ना पाए हो कि टाटा केमिकल्स में तेजी क्यों है तो ये सुमित ने जो टिप्पणियां करी अभी आई थिंक छोटी सी पेशकश थी, उससे आपको बखूबी एग्जैक्टली अगर आप देखें इस IPO की जो वाइब्रेशंस है वो टाटा केमिकल को टोस पे रखती हुई, इट्स नाउ अप बाय आई थिंक 6.5% एट ऑल टाइम हाई। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, अभी ट्रैजेक्टरी वही है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अब चलिए अब आज बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में एक खास शख्सियत से बातचीत। जी हाँ, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ अमीषा वोरा जुड़ी हैं इस खास बातचीत में और CNBC आवाज़ पर
उनसे जो बातचीत होती है वो आप हमेशा सुनते हुए आए हैं, लेकिन ये आज बातचीत खास है। आज अमीषा जी प्रभुदास लियाधर की कमान संभाल रही हैं, 35 वर्ष का उनका अनुभव। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस दिन में, इस दिन पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बीते अपने इस 35 वर्ष के अनुभव को कैसे याद करेंगे और स्पेशली आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी टीम का कितना योगदान रहा? अमीषा जी, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि फॉर एनी लीडर द लीडर इज इक्वल टू द टीम एंड द मोटिवेशन ऑफ द टीम। एंड ये जहां पर भी मैं आज हूँ, जब मैंने मेरी जर्नी चालू की तो शायद मेरी टीम वॉज माई पार्टनर मिस्टर दिलीप भट्ट, एज मोस्ट ऑफ यू नो, और लाइफ पार्टनर ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड। आगे जर्नी चालू की तो मेरे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस की मेरी टीम, मेरे प्रमोटर्स। उससे आगे चालू की तो जब मैंने रिटेल संभाला तो रिटेल की मेरी टीम, और जब लास्ट ईयर मैंने प्रभुदास लियाधर लिया तो मेरी टीम और बहुत बड़ी हो गई, जहां पर सब रेगुलेटर्स भी आ गए या तो बैंकर्स भी आ गए जिन्होंने प्रभुदास लियाधर को इतना सारा सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ देयर बैंकिंग लाइन, एंड ऑफ कोर्स मेरी टीम और मेरे क्लाइंट्स भी आ गए। तो वह ये तो जरूर कहूंगी कि कुछ भी जब पॉसिबल होता है तो टीम के सपोर्ट, टीम के होल हार्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना होना पॉसिबल ही नहीं होता है। और इसीलिए एज ए लीडर मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन रहता है और एक ही कोशिश रहती है कि मेरी टीम बहुत मोटिवेटेड रहे। और मैं ये बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ माय टीम, इतना मार्केट अच्छा होने के बावजूद, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, हैज बीन वेरी स्टेडी विथ मी अक्रॉस द डिपार्टमेंट। सम ऑफ माय एचओडीज आर विथ मी फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो मैं, आज आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है कि वो सबको मैं थैंक यू कहूं। एंड आप सबको जो मेरे इनडायरेक्ट पार्टनर्स हो इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड चैनल, जो प्रभुदास लियाधर ब्रांड को इतना अच्छा सहयोग देते हो, उनको भी मैं थैंक यू कहूं। अमीषा जी गुड मॉर्निंग, आई एम श्योर एक अच्छा दिन आपके लिए कल बीतेगा। लकीली एक लॉन्ग वीकेंड मिल रही है इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। एक बड़े भागीदार जो आपकी इस जर्नी में रहे हैं वो ऑफकोर्स महिला निवेशक हैं, और मैं ये डेटा पॉइंट आपसे समझना चाहूँगी कि आई थिंक 2022 में ये डेटा उभर कर आया था कि 27.5 लाख महिलाएं सिर्फ म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार से जुड़ी थी। आई एम श्योर वो नंबर्स में इजाफा देखने को मिला हो। क्या आप लोगों ने कभी अपनी ब्रोकरेज में ये टटोला है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है? क्या आपने नोटिस किया है कि महिला इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ रही है, और उसे और बढ़ाने के लिए फिर क्या कुछ खास कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं? देखिए, महिला इन्वेस्टर्स की भागीदारी डेफिनेटली बढ़ रही है, नंबर्स भी वो दिखा रहे हैं। हमने जब एक डेटा एनालिसिस किया था तो हमने 50 एंड अबव, 40 एंड अबव, 30 एंड अबव एंड 20 एंड अबव, जो हमारा क्लाइंट बेस है उसमें मेन वुमेन, या तो कि पुरुष और महिला का परसेंटेज क्या है, वो एक जब डेटा देखा था तो हमें पता चला कि जो ब्रैकेट 20-35 या 20-40 का है, वो ब्रैकेट में महिला इन्वेस्टर, जो हमारे सब इन्वेस्टर है उसमें से महिला इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट 30% एंड 70% इज मेल। जबकि मैं आगे का ब्रैकेट देखूं, 50 साल से ऊपर के इन्वेस्टर का मैं देखूं, जो एक्टिव है हमारे वहां, उसमें महिलाओं का इन्वेस्टमेंट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ मेन इन्वेस्टर्स एंड फीमेल इन्वेस्टर्स, वो खाली 13% है। तो विच मीन्स के जो न्यू जनरेशन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि सिर्फ अर्न करना, ए वो तो अर्निंग मेंबर्स ही ज्यादा है ये जनरेशन में, और बी वो भी समझते हैं कि हम अर्न करें तो हमारे सेविंग्स को किस तरह से हम डिप्लॉय करें सो दैट हमारा सेविंग्स भी हमको कमा कर दे।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज मैं देख रही हूं। ओके अच्छा अमीषा जी, स्पेशली आप जो इस वक्त CNBC आवास की मेहर दर्शक हैं, जिनके पास थोड़ी कम सेविंग होती है, जिनके पास थोड़ा गोल्ड होता है और थोड़ा बहुत पैसा वो अगर आप देखें अपनी पूरे महीने के आखिरी में बचा पाती हैं, उससे उस पैसे से वो एग्जैक्टली क्या करें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करें, उनके लिए इक्विटी मार्केट्स को, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स को, उनके लिए गोल्ड ETFs को अप्रोच करना मुश्किल होता है, बट अब ये कितना एक आसान माध्यम है फाइनेंशियल मार्केट्स को उनके लिए चेस करना, और एक सही अगर आप देखें उनको थोड़ी सी दिशा दिखानी हो, कैसे उस अपने छोटी सी सेविंग्स के साथ वो इक्विटी मार्केट्स में एंटर कर सकती हैं, कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, इस पर आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए जब आप एवरेज प्रोफेशनल्स को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई पार्लर चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में टीचर्स हैं, या तो कोई और कोई भी मॉल में काम करते हैं, कहीं पर भी वो इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट और सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ने हमें क्या समझाया है। पहली चीज तो उनको ये नक्की करना पड़ेगा कि मेरी जो भी कमाई है उसमें से मुझे सेव कितना करना है। ये नक्की नहीं करोगे तो जो भी खर्चे हैं वो तो इनकम से पहले ज्यादा ही बढ़े रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज, और अगर आप अपना हाउस भी चलाते हैं तो भी आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, तो उसमें से भी आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं कहती हूं कि एक 2000 5000 या 10000 रुपया भी कम नहीं है इवन आज की तारीख में, क्योंकि हम सबको मार्केट में लिंक लोगों को पता है कि मार्केट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग पावर है। तो आप कुछ नहीं तो एक 2000 5000 या 10000 रुपये की महीने की सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनटू म्यूचुअल फंड सबसे पहले कर दो। जरूरी नहीं है कि आप आज 10000 लगाओ और दो दिन में वो स्टॉक डबल हो जाए और आपको नेक्स्ट डे 10000 रुपये वापस कमाना है, वो आप कर नहीं पाओगे। 5 बार सच करोगे तो 6ठी बार रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसमें ना स्किल्ड हो ना आपका वो एरिया है। और वो कब करना चाहिए, जब आपके पूरे सेविंग्स गोल्स आपने सेट कर दिए हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले एक इंश्योरेंस ले लो, लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ, उसके बाद के आपकी सेविंग्स का आप म्यूचुअल फंड सिप्स चालू कर दो, और जब आपको लगे सॉरी कि आपका बेसिक सेट हो चुका है और आपके पास स्पेयर करने के लिए पैसे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो, मार्केट कैन गो इनटू करेक्शन फ्रॉम एनी एंगल ग्लोबल और डोमेस्टिक, तो आपको वो लिक्विडिटी तभी शायद आपकी वैल्यू कर्टेल कम होती लगे, तो आपको वो होल्ड करना पड़ेगा। तो इतना पैसा जब आपके पास हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जरूर चालू कर सकते हैं, बट अपने सेविंग्स को आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कभी वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कभी आगे चलकर आपको एक डिपेंडेबल कॉर्पस नहीं मिलेगा जहां पर आप आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है विमेंस डे मैसेज में देना चाहूंगी, टू ऑल माय फेलो विमेन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, यू कैन से फेलो विमेन। आप जरूर, एंड आई एम श्योर उसको अमल में भी लाएंगी हमारी सारी महिला दर्शकें। अच्छा अमीषा जी, कमिंग टू द मार्केट नाउ, इस समय अगर कोई नया पैसा लगा रहा है और आजकल जिस तरह का पूरा हवा मिड कैप्स पे बना हुआ है, आप क्या सलाह देंगी, मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप क्या रेशियो होना चाहिए, स्पेशली जब हर रोज हम न्यू हाईस पर मार्केट को ट्रेड करता देख रहे हैं। देखिए हर्षिता, ऐसा हुआ है कि लास्ट 1.5 साल में मिड कैप स्मॉल कैप जैसे हमें पता है 40-45% इंडेक्स लेवल रिटर्न, स्टॉक लेवल 70% रिटर्न एंड सिलेक्ट स्टॉक्स लेवल 200% रिटर्न तक भी दे चुके हैं। तो
वहां पर एंड कंपेयर टू दैट लार्ज कैप ने इतना परफॉर्म नहीं किया है. तो जब भी एक कंसोलिडेशन फेज जो अभी एनस्यू हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो सर्टनली लार्ज कैप विल गिव मच मोर स्टेबिलिटी. तो फ्रॉम एक इंटरमिनेंट कंसोलिडेशन फेज में मैं कहूंगी कि 50-52% वापस लार्ज कैप में होना चाहिए, और उसी में वेदर प्राइवेट बैंक्स हो कंज्यूमर प्राइवेट बैंक्स हो या तो फिर विद इन BFSI, मुझे अभी सबसे अच्छी स्पेस लग रही है लाइफ इंश्योरेंस की, क्योंकि वो चला नहीं है और उनका बेस इंपैक्ट बिल्ड हो रहा है. एंड थर्ड है जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, तो मुझे लगता है उसके इर्द गिर्द जो अगर पोर्टफोलियो में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा. बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी अभी भी 3-5 साल चलेगी. सेक्टर और स्टॉक्स चेंज होते जाएंगे, वो पॉसिबल है, बट ये करेक्शन है, ये कुछ स्टोरी इज नॉट ओवर. ओके अमिशा मैम, एक और चीज, दो तीन पॉकेट्स जो कि एक बहुत बड़ा आई थिंक प्राइस डैमेज देख रही थी. आई मीन देखिए, चल कुछ सब कुछ रहा इस वक्त, IT भी चला, बैंक्स भी चले, ऑटो काफ़ी अच्छे चले, अब जो चल रहा है उस पर क्या पूछें. लेकिन कभी कभी रिवर्सल को पकड़ना पड़ता है मैम. केमिकल्स जो कि पिछले 3 क्वार्टर्स से बहुत ही ख़राब स्थिति में है बिकॉज ऑफ सम कंसर्न, सम क्या बहुत सारे कंसर्न थे, क्या आपको यहाँ पे इस वक्त एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है इन प्राइसेस पे? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट फॉर ऑयल एंड गैस एंड केमिकल्स इज विद प्रभुदास लादर. ही इज हाईली वोटेड एंड ही हैज डन अ डिटेल्ड रिसर्च. उनका मानना है कि ये जो पेन केमिकल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं वो चाइना इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, बट अभी भी एक्सेप्ट फ्यू वेरी स्पेशलिटी केमिकल्स, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स में चाइना अभी भी एक्सपांड कर रहा है. तो आगे चलकर भी 1 साल और 2 साल और 3 साल के होराइजन में भी प्राइजिंग पावर आना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो एक्सेप्ट एब्सोल्युटली सिलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल, उनका ब्रॉडर सेक्टर व्यू अभी भी बहुत ही कॉशियस है एंड अवॉइड है. यहाँ पर कोई बॉटम फिशिंग में स्टॉक्स थोड़े अच्छे कर ले वो एक बात है, बट इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से वी आर स्टिल नॉट वेरी बुलिश ऑन केमिकल सेक्टर. स्पेशलिटी केमिकल्स में कौन सी कोई कंपनी मैम अगर कंफर्टेबल हो एक दो नाम? कहां पर स्पेशलिटी केमिकल्स में कोई दो नाम आपके जहन में आ रहे हैं? स्पेशलिटी केमिकल में देखिए, I am not on the top of it, I would say at this juncture. You will have to excuse me for that. Okay, leave it, ma'am. Anyway, thanks, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और स्पेशली इस दिन आपने वक्त निकाला इस चैनल पे और इस कार्यक्रम में अपियर होने के लिए. मैम बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं इस दिन की. और मैम बड़ा लंबा वीकेंड है, 3 दिन, ये शुक्रवार शनिवार इतवार बहुत शानदार रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. थैंक यू सो मच. अभी काम करते हैं, बाजार लेके आइए आपके स्क्रीन पे 22494 और 47975. नीरज जी मौजूद है मेरे साथ अब इस वक्त, मेरे वरिष्ठ सहयोगी. नीरज जी, कल खान पान क्लोजिंग के वक्त बहुत हो गया था, अभी पाचन क्रिया चल रही है. एक्चुअली कुछ बदला नहीं. देखिए, सुबह से अपनी यही चर्चा हो रही है कि कुछ भी नहीं बदला US में, और एक इवेंट था, हो गया, खत्म हो गया. अब हम लोग बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन में है, तो देखते कैसे निकलता है. कोई लेवल वेवल आपने कुछ बताया जो ध्यान रखना है आज? नीरज जी देखिए, मेरे ख्याल से कल बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी, और जिस प्रकार से 3 छुट्टियां लाइनअप है, मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ दाव तभी खेलना चाहिए जब ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हों. सुबह नीरज जी एक लेवल दिया था मैंने, वो था 22523. वही आज का हाई है, जब तक उसके ऊपर ना टिक जाए ऑप्शन राइटर्स को कोई रिस्क नहीं है जिन्होंने 22500 की वीकली कॉल बेची है. तो जब 523, 524, 525 के ऊपर टिक जाए तो 50-60-70 पॉइंट खुल जाएंगे 22600 तक, अदरवाइज
डिप मिले टूवर्ड्स 22,420 या 388 तभी लीजिएगा, अदरवाइज इंडेक्स में कुछ मिलेगा नहीं आज। तो भाई चलो 22,550 मोटे तौर पे याद रखना, उसको ध्यान में रखो, उसके बाद ही कुछ बड़ा खेल हो सकता है। और इस समय खैर भी तो ठीक लग रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, बैंक थोड़ा सा लगाड़ है, ब्रॉडर तो ठीक है। तो अब आपके सवाल जवाब का समय हो चुका है, उसको शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन को, लेकिन पहले हेडलाइंस। और रिकॉर्ड हाई छूने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ बाजार, 22,500 के करीब निफ्टी, निफ्टी मिड कैप में सबसे ज्यादा करीब 0.5% की मजबूती। मेटल और पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी, मेटल इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की उछाल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और 3% की तेजी। ब्लॉक डील के बाद महिंद्रा महिंद्रा में 3% से ज्यादा की गिरावट, प्रमोटर के 1,40,00,000 शेयर 2,184 करोड़ रुपए में बेचने की खबरें। ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल में फ्लैट कारोबार। और एनिमल फीड बनाने वाली कंपनी मुक्का प्रोटीन्स की दमदार लिस्टिंग, बीएससी पर 57% प्रीमियम पर 44 रुपए पर लिस्ट हुआ। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक बार फिर से, अपने सवाल जवाब भेजते रहिएगा, हम लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे। और आज के मेहमान हैं राजेश सातपुते। राजेश जी स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए कि 22,500 कब तोड़ेगा, 550? नहीं उसके बाद ही तो बड़ी रैली आएगी ना, तो पहले वो बताओ कब तोड़ेगा। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में ट्रैप होगा, एटलीस्ट आज तो एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है 22,400 ऑन लोअर साइड और 22,600 ऑन हायर साइड, यही कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही है। और इसी के दौरान मुझे लगता है इसी रेंज के बीच में निफ्टी क्लोज होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिलते रहेंगे, आज थोड़ा सा एक्सपायरी भी है और 3 दिन की छुट्टी है, तो थोड़ा सा बाजार आप कह सकते हैं कि लाइट होगा, सबड्यूड है, जो हम देख भी रहे। मुझे लगता है नीरज जी कि अगले हफ्ते पूरे पूरे चांसेस है कि निफ्टी ये 22,600 का लेवल तोड़ के 23,000 तक भाग सकता है, और दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। चार्ट्स पे कहीं वीकनेस नहीं है। और अगर आपको याद है, हमने लास्ट वीक जब बात कर रहे थे तो 21,800 की बात कर रहे थे, 21,800 का सपोर्ट था, और तभी मैंने कहा था जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं तब तक मुझे नहीं लगता बड़ा फॉल अनफोल्ड हो रहा है। तो रेंज वही है, सपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, और सपोर्ट ले लेके ये निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है बाजार ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मिल जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगले हफ्ते 23 तोड़ भले नहीं पाए लेकिन किस करके लौटाएगा ये तो पक्का है। नेक्स्ट वीक 23,000 हम लोग देखेंगे उसको छूता हुआ। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं। सुहास हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। सुहास जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार सर, मेरे पास मान इंफ्रा के 675 शेयर से @22.5 ये लगभग 3 साल पहले मैंने खरीदे थे बिफोर स्प्लिट। ये इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ये मैं होल्ड कर सकता हूँ और इज इट टाइम टू बुक द प्रॉफिट? यार सुहास जी आपको तो मालामाल लॉटरी लग गई है, 22 रुपये वाला माल 200 रुपये हो गया। राजेश जी पुणे के रहने वाले हैं ये, और आप भी पुणे के रहने वाले हैं, देखिए कैसा पैसा बन रहा है, बताइए क्या करें सुहास जी? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत बहुत बधाई कि ऐसे आप हिले नहीं और आप निकले नहीं कि चलो 22 का 23 हो गया, 23 का 30 हो गया तो मैं बुक कर लेता हूँ, तो सच में पैसा सही बनता है स्टॉक मार्केट में। और मैं अभी भी मानता हूँ कि काउंटर में कहीं वीकनेस नहीं है। देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में 240 से ये टूटा 200 तक, हाँ 40 रुपये टूटा, परसेंटेज टप में आपको दिखेगा, लेकिन दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन, जो प्राइमरी ट्रेंड हम कहते हैं कि प्राइमरी इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट, ये जो इंटरमीडिएट करेक्शन है तो प्राइमरी ट्रेंड जो है इसका इंटैक्ट है। मुझे लगता है आपको इसमें से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 200 का सपोर्ट इंटैक्ट है और ये फिर से कोशिश करेगा 240 को टेस्ट करने की, प्रोबेबली सरपास भी करेगा। तो फॉर मी दिस इज एन होल्ड, कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 200 मार्क। 200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के प्रशांत जी सुहास जी बने रहिए इसमें, और कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो और जा सकता है ऊपर, होल्ड करिए इसको। अगला सवाल है प्रशांत का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से। प्रशांत जी नमस्ते, सवाल बताइए सर। नमस्ते सर, मेरा बंधन बैंक है 1500 शेयर 250 की रेट से, और ये 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ।
और ये हर बार ब्रेक इवन पॉइंट पर आके वहाँ पर रिटर्न हो जाता है, तो क्या इसमें बना रहना ठीक रहेगा या इसकी जगह किसी और में पैसा ये शिफ्ट करना ज्यादा बढ़िया रहेगा? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं बंधन बैंक में। सातुदे जी, बंधन बैंक जाता है फिर आता है, जाता फिर आता है, मतलब 250 रुपए से ऊपर जा ही नहीं पाता। क्या करें, बेच के निकल जाएं, थोड़ा नुकसान झेल लें, दूसरे किसी शेयर में लगा लें, या बने रहें इसमें? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि बंधन बैंक, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बंधन बैंक एक पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर से तुरंत तुरंत घूम जाता है, और हमने देखा ये 230-235 ही इसके लिए हर्डल है। तो देखिए 195-196 हमें दिख रहा है ये ओवरसोल्ड है, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि 195 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो 190 का स्टॉप लॉस डाले। लेकिन उनका जो नेक्स्ट सवाल था मुझे थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगा कि मैं इसको निकाल के मैं कुछ अलग लू क्या, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे टू ट्रेड। तो प्रोबेबली बंधन बैंक मैं इतना कहूंगा, अगर आपको होल्ड रखना है तो 230-220 का इसका एक रेजिस्टेंस है, वहां तक एक बार जाएगा जहां पे आप एग्जिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ अलग लेना है देन प्रोबेबली यू कैन शिफ्ट टू बैंक ऑफ इंडिया विच इज 147 रुपीज। मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट बढ़िया है, अगर डिप आता है तो उसमें एक्युमुलेट भी कर सकते हो, और इसका टारगेट मेरे हिसाब से 170-180 का बनेगा प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो लुक्स बैंक ऑफ इंडिया लुक्स गुड टू मी, स्विच करना है तो कर सकते हैं। नहीं, बंधन बैंक से कब स्विच करें, जब 220 जाए तब या अभी? देखिए वो उनके जुरिस्डिक्शन में है नीरज जी, क्योंकि हम जब उनको बोलेंगे कि लॉस बुक करे और यहाँ से ये 20 रुपए बढ़े और बैंक ऑफ इंडिया फ्लैट हो जाए तो मलाल रहेगा। अच्छा। तो ये कई कई डिसीजन जो होते हैं ना, ये इन्वेस्टर को भी अपने लेने पड़ते हैं। हम तो लेवल के खिलाड़ी है, हम लोग तो लेवल पे बात करेंगे। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि फॉर द टाइमिंग आप उसके बंधन में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, पुल बैक पे निकल जाइए, और जब आपका लॉस थोड़ा कम हो जाए फिर आप बैंक ऑफ इंडिया में ले लीजिए। ऐसा भी हो सकता है तब बैंक ऑफ इंडिया इसी लेवल पे खड़ा है, लेकिन दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू अडॉप्ट। थोड़ा मॉनिटर करके आपको इस पे प्ले करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा प्रशांत जी, आपको तो स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद 220-230 के आसपास जाए तो उससे बेच के निकलिएगा। अगला सवाल है राहुल का दिल्ली से, बताइए दिल्ली से राहुल जी। हेलो जी सर, मेरे पास IRFC के 524 शेयर हैं, 160 रुपए की बाइंग है सर मेरी, तो क्या करना है सर मुझे? एक्चुअली मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रखे थे, लॉन्ग मतलब ज्यादा टाइम के लिए मैंने खरीद नहीं रखे थे, तो आप बता सकते हैं 1-1.5 महीने में अगर मतलब ये जा सकता है क्या ऊपर? कितने दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए खरीदे थे क्या? नहीं सर, 1-1.5 महीने के लिए। नहीं नहीं, खरीदे कितने दिन के लिए थे? महीना 1.5 महीने के लिए सर मैंने खरीद रखे थे, बट वो नीचे आ गया, मेरा 12% कैपिटल मेरा नीचे आ गया है, तो मैं अगर 1 महीना और अगर होल्ड करके रखूं तो क्या ये ऊपर जा सकता है क्या? ये बताओ पहले, स्टॉप लॉस का नाम सुना है आपने? जी सर, स्टॉप लॉस का नाम तो सुना है। क्या होता है स्टॉप लॉस, ये बताओ। सर मैंने लगाया नहीं, मैंने सोचा भाई चला जाएगा तो मैंने लगाया नहीं सर अभी स्टॉप लॉस, बट 140 के आसपास आ गया है वो, और अभी मुझे लगा शायद ऊपर जाएगा। मैंने राजेश जी, इस भूल की कीमत बताइए सर पहले तो। देखिए इस भूल की कीमत और 10 रुपए। यार राहुल जी ना, मुझे रुक जाओ सर, जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, हफ्ते 10 दिन 15, उनको स्टॉप लॉस, आप 12% आपने गिरा लिया स्टॉक को और आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, ये गलती आप लोग करते ना, इससे हमको दुख होता है। ये बताओ आप हमारे दर्शकों को, आपको नुकसान हो रहा है, तो हमेशा जब भी शॉर्ट टर्म की ट्रेड लें, ट्रेडिंग करें, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 10 रुपए का आपको यहाँ से और कीमत देनी पड़ सकती है। अब बताइए राजेश जी क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस की कीमत 10 रुपए यानी 133 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और क्योंकि क्यों मैंने 10 रुपए क्यों कहा, देखिए ये जो करेक्शन है ना, ये अपने 50 DMA पे खड़ा है, 140-142 ये इसका क्लस्टर है, यहाँ पे इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चांसेस है कि यहाँ से आपको एक स्विंग मिले। और IRFC ऐसा स्टॉक है कि इसके लिए 10% 20% का मूव कुछ नहीं होता, आपको भी पता है। तो इवेंचुअली इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 148 का, 148-150, तो आप कह सकते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ करें 140 लोअर साइड पे, 150 हायर साइड पे, 150 निकले तो उसके बाद ये ब्रेकआउट के मोर लग जाएगा और उसमें एक बड़ा स्विंग मिलेगा 165-170 जहां पे आपको एग्जिट लेना है। तो आपके स्टॉप लॉस की कीमत 10 रुपए, तो 133 पर स्टॉप लॉस रखिए और फिर वेट करिए, और ऊपर जब जाए 160-170 तब फिर या तो निकल जाइए या दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा हम लोगों को। अगला सवाल है अनिल कुमार का कानपुर से, अनिल जी नमस्ते। नमस्कार जी, बताओ सर। मेरे पास अशोक लीलैंड के हैं 800 शेयर 170 के भाव से, आपको क्या करना है सर? और सुमितोमो केमिकल है 450 के भाव से, 150 शेयर।
450 सुमितोमो। अशोक लेलैंड में क्या करना है? होल्ड। अशोक लेलैंड में होल्ड कर रहे हैं। नहीं, आप तो होल्ड कर रहे हो, सवाल आपका है कि बेचना चाहते हो क्या, घबरा रहे हो? घबरा नहीं रहे, बिल्कुल घबरा नहीं रहे। घबरा नहीं लग रहा है कि टाटा, जैसे टाटा मोटर में रैली आई वैसे इसमें भी आएगी। देखिए टाटा मोटर्स जो है ना, एक ऐसी कंपनी जिसमें वो ट्रक भी बनाते हैं, छोटा हाथी भी बनाते हैं, टाटा एस भी बनाते हैं, जगुआर लैंड रोवर भी बनाते हैं, तो पैसेंजर और कमर्शियल दोनों है। अब तो खबर भी आ रही है कि वो लोग अलग 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 हो रहे हैं। ये खाली ट्रक बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका जो कमर्शियल बिजनेस है ना, कमर्शियल व्हीकल का, वो सिक्लिकल बिजनेस है। तो सीधा कंपैरिजन, हालांकि एक ही सेगमेंट के, लेकिन कंपैरिजन ठीक नहीं है। चलिए पहले पूछते हैं राजेश जी, 800 शेयर 176 पर, और ये स्टॉक की हिस्ट्री है कि 176 से 180-185 के बीच में ये न जाने कितने दिनों से घूम रहा होगा, 1.5-2 साल से घूम रहा होगा, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक रेंज में है, ऐसा कुछ कहीं भाग के नहीं जाता। ये 170-175 ऑन अ लोअर साइड, जो इसका 200 डीएमए का लेवल है, और सामने 185-190। तो अभी तो इतना तो है कि ये लोअर बैंड पे खड़ा है, लोअर एज पे खड़ा है। सो ये जो 175-170 का लेवल है, इनफैक्ट 170 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये इसका 200 डीएमए है। मुझे लगता है फिलहाल आप इसमें बने रहे, स्टॉप लॉस 5 रुपये का मेंटेन करें 165 का, क्योंकि अगर ये 170 का लेवल टूटेगा, अगर बाजार घूमता है, निफ्टी सामने घूमता है, और अगर 170 का लेवल टूटता है, तो ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन हो जाएगा, इन दैट केस सेलिंग माउंट हो सकती है। तो स्टॉप लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 165 का, और होल्ड करे। मुझे लगता है फिर से ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है, न्यूज आता ही है, कहीं कहीं पे स्विंग मिलता ही है, ये 180 की तरफ भागेगा, जहां पे आपको फिर से एक बार के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे आप एग्जिट ले लीजिए, किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। मुझे लगता है ये फिलहाल तो रेंज बाउंड काउंटर है। दूसरा है सुमितोमो, 450 पे खरीदा इन्होंने। कौन सा वाला? सुमितोमो। सुमितोमो देखिए, सुमितोमो मिला नहीं, इसका स्ट्रक्चर वीकी है। अच्छा, ओके, वीकी है। ये 390-400 पे बड़ा सप्लायर है। मुझे नहीं लगता ये सप्लायर हाल फिलहाल में निगेट हो जाएगा, इनफैक्ट जो भी पुल बैक मिलेगा उसमें एग्जिट ही होगा, सप्लाई ही मिलेगा। रही बात सपोर्ट की, तो देखिए इसका पोजिशनल सपोर्ट बनता है 320 तक, 320-330। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर वीक है, तो फॉर मी इट्स एन एग्जिट, या प्रोबेबली इफ यू वांट टू होल्ड इट, कीप योर स्टॉप लॉस एट 350, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 350, और पुल बैक पे आप निकल जाइए 380 से लेके 400। ये पुल बैक का रेजिस्टेंस का आपका आप कह सकते कि सप्लाई पॉइंट्स है। तो फॉर मी दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। ओके, सेल ऑन राइज है दोनों में, एक में 165 का स्टॉप लॉस और एक में 350 का, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला सवाल है सुरेंद्र होरा इंदौर से, बताइए होरा जी क्या हाल चाल। सर बढ़िया है, मेरे पास सर बीजीआर एनर्जी के 200 शेयर हैं, 59 पे। तो सर इसको होल्ड करना है क्योंकि कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा रहा है। फंस गया इसमें अब लग रहा है। बताइए राजेश जी, ये अभी तो 14 रुपए का ही नुकसान है, इसमें भी बताइए स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे बचना है? देखिए थोड़ा सा आप कह सकते कि ये आप सिंपल सी बात सोचिए कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और ये अपने रिसेंट लो पे खड़ा है, दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, कहीं ना कहीं तो कोई सप्लाई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज हाउ वी सी इट। तो मेरे हिसाब से दिस इज एन एग्जिट। तो रही बात टेक्निकली, तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, 45-44 इसके नीचे इमीडिएट जाएगा नहीं, एक पुल बैक मिलेगा, कहाँ तक? 50-52 तक, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। फॉर द टाइमिंग मैं इतना कहूंगा आप बने रहे, आज का स्टॉप लॉस अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 42 का, 42 का स्टॉप लॉस होगा, 55 इसका पहला रेजिस्टेंस, नॉट 55 का इसका पहला रेजिस्टेंस है, जहां पे आपको एक बार के लिए एग्जिट लेना है। काउंटर बहुत वीक है, नो पॉइंट। इसमें बहुत दिक्कतें भी चल रही हैं हाल फिलहाल में, इसमें कई सारी खबरें भी आई थी, तो थोड़ा दिक्कत में भाई, आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा और एग्जिट करिए अगर राइज होता है तो। अगला सवाल है तनवीर का लखनऊ से, तनवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताओ जी। सर सर ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पिछले 1.5-2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ, हमारी एवरेज बाइंग जो है 253 रुपए की। अभी कितने का चल रहा है? अरे तो लाइफ टाइम हाई पे है, ये 130 रुपए के आसपास है। लाइफ टाइम हाई नहीं, लो है।
अरे लो लो सॉरी क्या सॉरी भाई नुकसान करके बैठे हो और कह रहे हो हाई पर है अरे वो निकल गया सर वहां से क्योंकि निफ्टी हाई पे है लाइफ टाइम हाई पे है और ये अपने लाइफ टाइम लो पे है क्या क्या करते हैं तनवीर जी आप सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ फिलहाल तो मैं नौकरी कर रहा था अभी एक साल पहले रिटायर हुआ हूँ कहाँ नौकरी कहाँ करते थे मैं सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं था इंटेलिजेंस में था अच्छा तब तो भाई हो गया नुकसान तनवीर जी को या आधा है लगभग सर मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ हमारे पास बहुत सारे शेयर ऐसे हुए जो 10-10 साल हमने होल्ड किए हैं मैं रखूंगा ऐसे भी लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में बताइए 2-3 साल के अंदर कुछ हो सकता है अच्छा पहले बताइए कितने साल से होल्ड कर रहे हैं उसको 1.5 साल हो गए करीब 1.5 साल हो गए और ये पैसा बना के देनीरा गिर गया है राजेश जी कोई समय की पाबंदी नहीं है तनवीर जी लंबे समय तक इसको होल्ड करेंगे अब ये बताओ ये 250 से ऊपर जाके कब प्रॉफिट देगा बोलता हूँ देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें जो चार्ट देखना पड़ता है वो है मंथली चार्ट मंथली चार्ट पे आपको बड़े बड़े सपोर्ट समझ में आते हैं तो इसका जो बड़ा सपोर्ट है नीरज जी वो करीबन 120-125 की ट्रेजेक्ट्री में है और जो ट्रेंड है देखिए ट्रेंड तो उनको भी पता है हमको भी पता है इसका ट्रेंड वीक है जब लेकिन हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमें सपोर्ट भी देखना पड़ेगा तो ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के इर्द गिर्द है तो आपको इसे होल्ड रखना है रही बात रेजिस्टेंस की यानी आपको कह सकते हैं कि कहाँ पे कहां तक पहला चाहेगा तो मुझे लगता है 170 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है पहला टारगेट है अगर 170-180 ये रेंज निकाल दे फिर आप कहेंगे कि यस ये 280 तक जाएगा तो इसका देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी तक वहां पे कोई डेंट नहीं है लेकिन यस मिड टर्म में ये जो पेन है ये थोड़ा आपको दिख सकता है तो इट्स अ होल्ड फॉर मी वैसे कहते हैं बाजार में कि गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए लेकिन चूंकि इनका इतना ज्यादा गिर चुका है कि क्या कोई संभावना है एवरेज करें ना करें ना करें तो बेहतर है क्योंकि देखिए हाँ वो हम लोग कहते हैं ना कि लूजिंग हैंड्स पे ज्यादा नहीं खेलना है तो तनवीर जी आप क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा होल्ड करिए 180 अगर चला गया उसको तोड़ दिया उसने तो फिर ये 280 भी जा सकता है लेकिन 133-180 जाने में ही इसको ना बहुत मुश्किल होगी और बहुत ठंडा स्टॉक है सर ये लेकिन अब चूंकि काफ़ी नुकसान हो गया बेच के फायदा नहीं है नुकसान लॉक कर देंगे आप तो नुकसान ना लॉक करके आप बने रहिए इस पर वेट करिए 180 का 180 आए तो एक बार फिर हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे सर ओके अगला सवाल लेते हैं फटाफट एक और चरण सिंह जी हैं मानेसर गुरुग्राम से चरण सिंह जी नमस्कार सर नमस्कार डेरा सर बताओ सर क्या हालचाल क्या सवाल बहुत बढ़िया है सर एक डिश टीवी का एक मनक्षिया लिमिटेड का था सर दूसरा कौन सा बताया आपने मनक्षिया लिमिटेड अरे भाई लेके ऐसा ये मनक्षिया लिमिटेड हाँ पहले तो राजेश जी डिश टीवी में कोई राय है आपकी क्या देखिए डिश टीवी ये ऐसा कोई नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चार्ट भी कोई खास नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक विद यू तो इससे इसमें तो मेरा अवॉइड ही रहेगा लेकिन हालांकि 19 के आसपास इसका 200 डे में है तो एक पुलबैक मिल सकता है 22 रुपए तक 22-22.5 तक जहां पे आपको एग्जिट लेना है सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन डिश टीवी ये काउंटर में दम नहीं है रही बात मनक्षिया मैं चेक कर रहा था कि मेरे पास भी ये काउंटर कभी मैंने सुना नहीं था 118 का भाव है क्या 118 वाला है ना हाँ मनक्षिया चरण सिंह जी जी सर 118 वाला सर 118 वाला एक झील पे रहा है और दिलवाइए सर अरे भाई रुक जाओ ना दुई बहुत है आज के लिए मनक्षिया 118 पे हाँ वही वाला यही वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे जी नीरज जी देखिए चार्ट अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो चार्ट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे 110 ये इसका सपोर्ट है रही बात लेवल्स की तो मुझे लगता है 110 इसका लोअर साइड का आप कह सकते हैं कि सपोर्ट है लेकिन सामने 130-135 तक का मुंह इसमें मिलना चाहिए अगर 135 के ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें आप कह सकते हैं कि बड़ी रैली आएगी लेकिन चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है क्योंकि आप देखिए ऐसे मार्केट में ये लोअर बैंड पे कंसोलिडेट हो रहा है तो मैं इतना ही कहूंगा 110 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 105 का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें 135 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है अगर उस लेवल के आसपास अटकेगा तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा अगर निकल जाएगा तो फिर आप उसे इसमें बने रह सकते लेकिन 135 मिले तो एक बार के लिए कॉल करके कंफर्म कर लीजिए ओके ये राय है इनके लिए अगला सवाल है अमित का दिल्ली से जुड़ रहे हैं अमित जी नमस्कार सवाल पूछिए सर नमस्कार सर मेरे पास दो शेयर हैं सर पहला है सर आंध्रा पेपर 600 रुपए पे 20 शेयर हैं सर और सर दूसरा है उत्तम सुगर 360 रुपए पे सर
20 शेयर है सर इसके भी। आंध्रा पेपर बताइए फिर उत्तम सुगर। आंध्रा पेपर देखिए, आंध्रा पेपर की बात करें तो 524 के आसपास है। यस, मुझे लगता है कि उन्हें इसमें होल्ड रखना चाहिए। काउंटर में कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा वीकनेस है, प्रॉफिट टेकिंग वीक हैंड्स निकल रहे हैं। 500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है, 500 से लेके आप कह सकते हैं कि 525 ये बैंड है। अगर इस बैंड को ये रिस्पेक्ट देगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है एक बार के लिए फिर से घूमेगा इस 600-620 तक। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा 500 के नीचे। 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और एक और उत्तम शुगर इन्होंने पूछा है। उत्तम शुगर, देखिए उत्तम शुगर का चार्ट अच्छा है। 340 पे यहाँ पे मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन है, दैट सीम्स कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कहाँ पे है? मेरे हिसाब से 400 का वो लेवल होगा। अगर 400 के लेवल के पार चला जाता है, यानी रेंज कहाँ हो गए, 340 ऑन द लोअर साइड और 400 ऑन हायर साइड, जैसे ही 400 का लेवल निकलेगा नीरज जी, मुझे लगता है ये 460-480 को अनफोल्ड करेगा, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन पे। तो एक्यूमुलेशन लंबा है, इसका मतलब जो मूव मिलेगा वो भी क्विक मिलेगा। तो आप फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस जो है 340 के नीचे रख दे। ओके, 340 के नीचे स्टॉप लॉस, इसको होल्ड करिए। इसमें तो बड़ा मूवमेंट है। अच्छा, चीनी वाले शेयर चलते भी ऐसे ही एकदम से दंदनाते हुए चलेंगे और फिर दंदनाते हुए गिरेंगे। स्ट्रॉन्ग है ये, उत्तम वाला जना होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़िया। अच्छा, एक समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल। UPL 457 का लो लगाने के बाद स्टॉक ऊपर 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 चल रहा है, 481 हो गया है, क्या करें इसमें? नीरज जी देखिए, काउंटर वीक है, लेकिन काउंटर ने सबका बहुत दम निकाल के रखा है, क्योंकि ये एफएंडओ वाला काउंटर है, इतना दम निकाला कि इंडेक्स से खुद ही बाहर हो गया। दम इसका खुद निकल गया। सबको लगता है आज नहीं तो कल चलेगा, सबको लगता है टाटा केमिकल कल चल रहा है, ये भी ये क्यों नहीं भाग रहा है। सब लोग इसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं, लेकिन ये कि हिलता नहीं है। थोड़ा ऊपर आता है तो इसमें सप्लाई पॉइंट आता है। देखिए, पोजिशनली अगर आपके पास है तो आप बने रहे, 450 का सपोर्ट है। अगर याद है मुझे याद है, लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था, लास्ट वीक UPL ही था, और तभी मैंने यही कहा था 450 का इसका सपोर्ट है, और 450 के सपोर्ट से इसमें बने रहे, इसका ब्रेकआउट आएगा 500 पे। अगर ये 500 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, कम से कम 560-580 तक। तो यस, फॉर मी दिस इज, आप कह सकते हैं कि ये गिरते हुए मार्केट में थोड़ा अगर कॉन्ट्रा व्यू सोचना है तो दिस इज द राइट टाइम। ओके, कॉन्ट्रेरियन व्यू है अगर आपका और दिल जिगर मजबूत है आपका, तब आप UPL में गेम करिएगा। तो ये 500 रुपये, 19 रुपये और ऊपर जाएगा तब बड़ी तेज़ी आएगी इसमें, लेकिन बहुत रिस्की है, ध्यान लीजिएगा अपने हिसाब से आप देखिएगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी मदद करने के लिए दर्शकों की। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से अच्छे समझ सोच के करिए करिए, और स्टॉप लॉस याद रखो भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ मार्केट के, उसी को भूल जाते हैं लोग। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर वन। पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है, और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक, एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू बुक, आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है। जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में NBFC पे। प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स, 10 तरह की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में। बैंक और IT, इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए। जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावरफुल प्रदर्शन दिखाई रहे, तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। इस समय ना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप
एक SIP रोज SBI में करें अगले 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक आप रोज मतलब 1 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए उसके बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा है जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुँच जाए तो। अब देखिए, ये चीज़ें क्या होती हैं ना, कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं, लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था, और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में, पिछले 3 महीने में वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा बैंक है, टू बिग टू इग्नोर है, और इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज सुबह बिग स्टॉक में भी था हमारे, और मैं इसको कंसिस्टेंटली, इनफैक्ट आगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट की लिस्ट में दिखेगा। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हार्मोनिक को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपी वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी रही है, 325 पे रखना है। बोलिए बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, क्योंकि कल दरअसल महाशिवरात्रि के चलते बाजार बंद होंगे, तो इसी हफ्ते आज ही एक्सपायरी होगी, और आज ही दरअसल हम खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो को भी क्लोज करेंगे इस हफ्ते के लिए। बहरहाल बाजार की चाल थोड़ी सी वॉलेटाइल हो चुकी है, शुरुआत दमदार थी, 22,523 के लेवल्स पर हमने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन मार्केट कभी नीचे तो कभी ऊपर, और अब फिर से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो 11 पॉइंट हल्की सी सही, लेकिन गिरावट के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक फिर घूमा है, नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ, और ये दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ है तेजी में बने रहने का, तो 165 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर था, अब करीब 225 अंकों की बढ़त में कारोबार करता हुआ, अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, 2:1 का रेशियो इस समय सामने उभर कर आया है। ये है अब तक की स्थिति। मेटल कंपनियों में जोरदार खरीदारी, टाटा स्टील, JSW, हिंडालको आउट परफॉर्म करते हुए, टाटा स्टील देखिए अच्छा खासा योगदान दे रहा है, उसके साथ ही हमने देखा LTI, माइंडट्री, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। M&M में ब्लॉक डील के चलते कुछ मुनाफा वसूली, रिलायंस में कुछ दबाव बना है, BP, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं हल्की हल्की मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनी हुई हैं। यह आपके लिए अब तक की तस्वीर है। अब रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है कल दोपहर 3:30 बजे तक, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और अब आप देखेंगे तो आशीष कयाल आगे चल रहे हैं 2.25% के रिटर्न्स के साथ, 1% से ज़्यादा के रिटर्न्स अमित के, हालांकि सोनी के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हुआ, करीब -3.5% के रिटर्न्स, वो एक स्टॉक बिगड़ा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उससे पूरा दरअसल इनके रिटर्न्स डीरेल हुए हैं। तो आज के लिए खासतौर से कंसिडरिंग एक्सपायरी है, और कल और आज में अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिखाया,
अप्रोच क्या रहेगी अमित, बताइए ये 22,500 के ऊपर क्लोज की उम्मीद करें या नहीं? देखिए कल जो हिसाब से रिकवरी देखने मिली है और इंटरनल स्ट्रेंथ पे मतलब अगर इंटरनल ब्रेथ भी देखा जाए इंडेक्स का तो सुधरा है, तो एक सपोर्ट जो है ऊपर में शिफ्ट हुआ है 12,350 एक इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकता है, और अगर ऊपर की बात करें तो यस चांसेस है 22,550 से लेकर 22,600 तक निफ्टी जा सकता है। ओके 22,600 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, अटेम्प्ट किया जा सकता है उस तेजी की तरफ। आशीष आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? देखिए ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो बाय साइड पे ही है, यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि काफी अच्छी रैली हमने देख ली जो लो से शुरू हुई थी करीबन 21,800 के आसपास से और 22,500 पे निफ्टी आ चुका है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पॉसिबल है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिप मिलती है 22,380 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, नीचे 22,250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में टारगेट जो हमारा है 22,550 के आसपास निफ्टी शायद दिखा सकते हैं, तो ओवरऑल रुझान बाय ऑन डिप्स का ही है और चुनिंदा स्टॉक्स में हम बाइंग देख सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग वापस से इमर्ज हो सकती है, कल हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था लेकिन आज के दिन में बाय करके ही चलना पड़ेगा। ओके बाय करके ही जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सोनी आप कैसे मार्केट को देख रही हैं और आपकी आज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, यहाँ पे जो निफ्टी मुझे लगता है कि 22,400 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज की एक्सपायरी अगर हम देखेंगे तो 22,550 से लेके 22,600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, सो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। कल FIs का भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है, सो मोस्ट लाइकली सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव साइड नजर आ सकता है टूवर्ड्स 22,600। 22,600 की तरफ अटेम्प्ट होगा, उम्मीद तो ये भी है। तो चलिए ट्रेड्स कौन से काम आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो आप दिखाइए सोनी का पोर्टफोलियो, एक्सिस बैंक का ट्रेड जो इन्होंने दिया था ये अभी भी होल्ड कर रही हैं और आज इनफैक्ट फेडरल बैंक भी बाय साइड पर था, कल इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे। सोनी नया सौदा? जी मेरा यहाँ पे पहला सौदा रहेगा बिरला सॉफ्ट में, आईटी में एक अच्छे मोमेंटम पे अभी नजर आ रहा है, सो बिरला सॉफ्ट एक बाउंस कर रहा है, करंट लेवल 776 पे आप बाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो टारगेट है वो 840-860 रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना है 770 के स्टॉप लॉस के साथ, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले बिरला सॉफ्ट में, 840 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 776 पर खरीदारी की सलाह सोनी की है। ठीक है आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो जुबिलेंट फार्मोवा एग्जिट किया कल करीब करीब 600 के लेवल्स पर, बीकाजी में आज इन्होंने प्रॉफिट बांधा है 521 के लेवल्स पर, बताइए आपका आज का नया सौदा क्या है आशीष? देखिए आज जो मैं स्टॉक लेना चाहूंगा वो है अवंती फीड, यहाँ पर बहुत अच्छा एक मोमेंटम नजर आ रहा है, एक राउंडिंग बॉटम का काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है और वहां से ब्रेकआउट भी आ रहा है और साथ ही में वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं अवंती फीड पे, तो यहाँ पर बाय करने की राय होगी, गुंजाइश है स्टॉक करीबन टारगेट 605 का छू सकता है, मोमेंटम अच्छा लग रहा है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 533 का। 533 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड तेजी की तरफ लेंगे, 605 आपके लिए टारगेट रहेगा, ये है आपके लिए अवंती फीड का काउंटर। इस पर आशीष भी सुबह में डिटेल्स दे रहे थे, आशीष वर्मा की क्या वजह है तेजी की। आईडीएफसी फर्स्ट ट्रेड ये है अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में अभी भी, आज सुबह में इन्होंने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट बांधा है 8340 के लेवल्स पर, अमित क्या जोड़ेंगे नया? देखिए जमुना ऑटो इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, आज भी थोड़ा कूल ऑफ आया है और अगेन एक वापस एक थोड़ी स्टेबिलिटी स्टॉक में आ रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, सो जमुना ऑटो इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके 125 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर जो टारगेट देख रहा हूँ उसका देख रहा हूँ। आपका टारगेट समझ नहीं आया अमित, दोहराएंगे प्लीज। ठीक है जमुना ऑटो पे ध्यान रख सकते हैं, जमुना ऑटो में मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अभी 130-128 के जो सपोर्ट है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, सो जमुना ऑटो बाय कर सकते हैं, 125 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में टारगेट 150 का, 150 का टारगेट वही नहीं सुनाई दिया था हमें, 150 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की जमुना ऑटो में 125 का आप स्टॉप लॉस लगाकर जाएंगे। सोनी दूसरा ट्रेड इस समय देंगी या रुकेंगी?
जी हर्षदा जी, दूसरा ट्रेड भी अभी जोड़ना चाहूंगी, वो है बायोकॉन में। बायोकॉन हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है, हायर कॉल स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं 290-300, सो काफी बुलिश आउटलुक बनता है। यहाँ पे बायोकॉन करंट लेवल 283.5 प्राइस में से आप ले सकते हैं, स्टॉपलस लगाए 272 और टारगेट है 325 के टारगेट के लिए बायोकॉन बाय साइड का ट्रेड 272 स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमित, जमुना ऑटो के साथ दूसरा ट्रेड। दूसरा जो स्टॉक है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ध्यान रख सकते हैं। एक ये स्टॉक मेजर अंडर परफॉर्मर था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टॉक में भी स्टेबिलिटी आ रहा है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट में देख रहा हूँ 56 तक के देख रहा हूँ, 56 तक जा सकता है। तो दूसरा ट्रेड यहाँ पर अमित ने भी दे दिया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 56 टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। आशीष, क्या इरादा ट्रेड है या रुकेंगे? नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करूंगा मैं यहाँ पर और ट्रेड सेकंड हाफ में जोड़ूंगा। ओके, सेकंड हाफ में अगला ट्रेड आएगा आशीष की तरफ से। वैसे अमित और सोनी ने अपना पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। इस बीच फोकस करते हैं राइट्स पर। स्टॉक में हमने देखा है, वैसे भी ओवरऑल जो रेलवे कंपनियां हैं उसमें हमने देखा एक अच्छा खासा रिटर्न पिछले 6-8 महीनों में बना है। अब कंपनी के लिए दरअसल ऑर्डर बुक की पोजीशन मजबूत हो चली है। हाल ही में कंपनी ने अबू धाबी पोर्ट ग्रुप के साथ करार किया डिजिटल इंफ्रा और इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड के लिए ये करार हुआ है। क्या रोड मैप है इस समय आगे ऑर्डर विंस का, क्या स्थिति है, सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट रेलवे काउंटर्स ने इस वित्त वर्ष में बहुत ही जोरदार रिटर्न कमा कर दिए हैं, एंड इट्स ऑल कर्टेसी आप लोगों की, ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़िया रही हैं। तो पहले तो मैं इस समय आपसे ये समझना चाहूँगी, राइट्स की इस पिछले क्वार्टर के अंत में या फिर मार्च के पहले महीने में किस तरह के ऑर्डर्स पर आप बैठे हैं, FY24 की समाप्ति कितनी बड़ी ऑर्डर बुक के साथ होगी? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम शायद वी आर दी ओनली PSU कंसल्टेंसी कंपनी या इवन अ प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एक्सेप्ट में भी ऑयल एंड नेचुरल गैस, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी करते हैं, चाहे वो मेट्रो, रेल इंफ्रा, एयरपोर्ट्स, हाईवे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। So, 31 दिसंबर को हमारी ऑर्डर बुक 5500 करोड़ थी, जिसमें 2600 करोड़ कंसल्टेंसी थी, 2300 करोड़ टर्नकी थी, 300 करोड़ का हमें नया फ्रेश ऑर्डर मिला एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का मोजाम्बिक का, और 300 करोड़ लीजिंग और हमारी सब्सिडियरी का था। सबसे बड़ी गर्व की बात यह थी कि हमारे इस क्वार्टर में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया, जो हमारा एक विजन था, हमने एक ड्रीम थी, हमने माइलस्टोन अचीव किया, हमने 100+ ऑर्डर्स अचीव किए इस क्वार्टर में टोटलिंग टू मोर देन 600 करोड़। तो नाउ वी आर अ वन ऑर्डर अ डे कंपनी। तो हमारा जो एक गोल था कि हम एक वन ऑर्डर अ डे कंपनी हो पाए, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में हम हो पाए। Congratulations on that. तो हर दिन आप एक नया ऑर्डर बैक कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर्स में कितनी जल्द हो पा रहा है राहुल जी? कंस्ट्रिंग क्लियरली आपके पास काफी बिजनेस आ रहा है, तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को बरकरार या बेहतर रखने के लिए फिर कंपनी की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, कंसल्टेंसी जो होती है उसमें दो तरह के ब्रॉडली ऑर्डर्स होते हैं, एक काइंड ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट, कंसल्टेंसी रिपोर्ट, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में होते हैं, और दूसरे कैटेगरी के ऑर्डर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के होते हैं। सपोज आप एक एयरपोर्ट या मेट्रो या रेल इंफ्रा बना रहे हैं जो 2-3 साल लगते हैं, तो उस दौरान हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं और वो माइलस्टोन्स पेमेंट के होते हैं। परंतु जैसा आपने सही कहा, हमारी ऑर्डर बुक जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारी पूरी इस पे फोकस है कि हम एग्जीक्यूशन पे मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आर रिसोर्सेज एंड इवन इंडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमने करीब पिछले कुछ महीनों में करीब 150 लोग फ्रेश ऑफ डिफरेंट स्किल्स इंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। सो दिस इज अ बिग जंप फॉर अस टू टैकल ये जो हमारे अपकमिंग ऑर्डर्स हैं। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से आपने मुझे याद है कहा था कि FY24-23 से काफी बेहतर रहेगा। We'll end this month in a couple of days, in another fortnight rather. बताइए आप क्या डिलीवर करेंगे FY24 के लिए, और कुछ इंडिकेशन कि FY25 का साल कैसे रहेगा ऑन द बैक ऑफ दीज बिग ऑर्डर विंस?
यू सी FY24 जब हमारा शुरू हुआ था, हमारे दो मेजर चैलेंजेस थे. वन वाज दैट जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, जो एक हाई टॉप लाइन और एक हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, वो हमें पिछले करीब 3-4 साल में कोविड और उसके बाद हमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं मिला. सो दैट वॉज अ बिग चैलेंज बिकॉज इसका एक हिट हो रहा था. दूसरा एक मेजर चैलेंज था एक इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हम रेलवे के तमाम चीजों के इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो एक नई पॉलिसी के तहत 4 लोगों में डिवाइड किया गया थ्रू टेंडरिंग बोर्ड. सो उससे अगेन हमारे मार्जिन पे काफी हिट हुआ. तो FY24 में हमारा ये एम था कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसको हम मैक्सिमाइज करें टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू चैलेंजेस. तो FY24 हमारा एम रहेगा कि हम FY23 के जितने क्लोज आ पाए, परंतु FY25 जैसे अब हमें पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया करीब 4 साल बाद, हमारे ये कंसल्टेंसी के फ्रेश ऑर्डर्स इस रेट पे मिल रहे हैं, जैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे इन द कमिंग FY, आवर एम विल बी दैट FY24 यू विल सी अ सब्सटेंशियल ग्रोथ इन EBITDA vis-a-vis द बेस ईयर ऑफ 22-23. ओके, तो सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ कोर्स एबिटा में देखने को मिलेगी. मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, जो रीसेंट ऑर्डर विंस है, ये जो अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ आपने करार किया, एग्जैक्टली क्या काम है और इस तरह के ऑर्डर्स अब आपके हाथ और लगने के आसार हैं? देखिए, ये एक MOU हमने साइन किया है अबू धाबी पोर्ट के साथ. हमने एक MOU साइन किया है. ये हमारी एक ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में एक अहम कदम है. अबू धाबी पोर्ट इज ऑपरेटिंग नॉट ओनली इन UAE परंतु करीब 40 कंट्रीज में इन ऑल एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यू नो, रेल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये एक नेचुरल पार्टनरशिप थी हमारे दो जायंट्स, विच आर यू नो जायंट्स इन देयर ओन एरिया, स्किल आर लेगेसी आर एक्सपीरियंस, और बोथ इन द अपकमिंग जो ये IMEC कॉरिडोर एज वेल एज टैपिंग अदर अपॉर्चुनिटीज इन द मिडल ईस्ट as well as you know Africa and Southeast Asia, is MOU ke तहत हम लोग jointly काफी excited हैं कि आगे हम opportunities tap कर पाएंगे. मेरा final question राहुल जी आपसे ये है, considering पहले वो export orders को लेकर दिक्कतें थी, अब अबू धाबी port वाले order आ रहे हैं, I'm assuming और भी आएंगे, तो क्या अब वो export market भी ज़्यादा contribute करेगा revenue को, और उस लिहाज से फिर ये high margin business रहता है, margins भी बेहतर होने के आसार? जी बिल्कुल, आपने सही कहा. ये जैसा मैंने कहा, सबसे हमारा बिगेस्ट चैलेंज था जिस पिछले 3-4 साल में कोविड और उसके बाद हमें एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर्स नहीं मिले. हमें पहला ऑर्डर 300 करोड़ का मोजाम्बिक का मिला, 10 लोकोमोटिव का. हमने बांग्लादेश का एक ग्लोबल टेंडर में हम L1 करार दिए गए 200 कोच के, जो करीब 900 करोड़ का है. तो ये कड़ी अब शुरू हो गई है एंड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 3 ईयर्स, एंड ये जो ऑर्डर्स हैं ये अगले FY में मार्जिन्स में और टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेंगे. और हमने तमाम और कई ऑर्डर्स में बिड किए हुए हैं, टेंडर्स में बिड किए हुए हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि आगे कमिंग क्वार्टर्स में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हमें डेफिनेटली और मिलेंगे एक्सपोर्ट में. बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग FY24 एंड आई होप FY25 के लिए भी आपके लिए जोरदार साल उभर कर आए. तो ब्राइट्स का मैनेजमेंट डिटेल देता हुआ उनकी ऑर्डर बुक पर और आगे विजिबिलिटी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है. तो जो ओवरहैंग था एक्सपोर्ट बिजनेस का वो धीरे धीरे करके सुलझ रहा है और वहां से अब ग्रोथ आना शुरू होगी. लेंगे एक ब्रेक इस मोड पर, माय जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप लेकर आएंगे. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. चुनावी रंग में रंगा बाजार, मोदी सरकार की वापसी का मार्केट को है इंतजार. पॉलिसी कंटिन्यूटी के साथ साथ नए रिफॉर्म्स की भी होगी भरमार. PSU, रेलवे, डिफेंस, इन सब के बाद नई सरकार में कौन होगा गुलजार? नई सरकार के बनने से पहले नए पोर्टफोलियो को अभी से दें आकार, जिससे आप बने मालामाल. देखिए हर रोज मार्केट आर्स मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर. पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं.
हालांकि स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू बुक, आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम पीएसयू बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में एनबीएफसी पे, प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। 10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आज एक ट्रेंडिंग डे साबित होता हुआ 22,694, इस पर नजर रख के चलिएगा। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। इसका इंट्राडे स्विंग का जो टारगेट होगा वो रहेगा 1500 से लेके 1510 तक। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 2900 पे, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। मार्केट स्ट्रॉन्ग बहुत है, 500 पॉइंट अब बैंक निफ्टी ऊपर है और सेंसेक्स आज ट्रेंड लग रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड। एक तो ये कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी मैनेजमेंट और सीईओ जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने एचडीएफसी बैंक में। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। अपसाइड में मिलने चेज ना करें, 2200 तक के टारगेट हैं। डिप्स में खरीदारी करने के मौके यहाँ ढूंढिए। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। कल निफ्टी ने क्लोजिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। इसका स्टॉप होना चाहिए 410। बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि गिरा है, बाय करें, 1480 का स्टॉप लॉस होगा। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ से मार्केट को एक कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे, जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जिसके दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्विक्शन कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देंगे। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। आईटी पे तो मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है, आज का नहीं है ये मित्र से एक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। आपको हम बता रहे थे कि आज दरअसल CCEA की बैठक है और उसमें क्या फैसला निकल कर आएगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। लक्ष्मण, क्या अपडेट्स हैं आपके हाथ? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है। ये महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है, अभी 46% महंगाई भत्ता है और ये बढ़कर के 50% हो जाएगा। और ये जो महंगाई भत्ता है ये खास तौर से आपको 1 जनवरी 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है, यानी जैसा ही फैसला होगा पिछला एरियर के हिसाब से अगले महीने में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। और इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से आपको बता दूं कि 50 लाख मौजूदा कर्मचारी हैं, 62 लाख पेंशनधारी हैं, उनको फायदा होने की संभावना है। और इस बार का जो महंगाई भत्ता का बढ़ना है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि 46% से बढ़कर जैसे 50% होगा तो बेसिक का हिस्सा बन जाता है, उसका महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा वो कुल पे बढ़ता है, इसलिए ये बढ़ना अपने आप में सबसे अहमियत रखता है कर्मचारियों पेंशनधारियों की सैलरी के लिए। आज शाम में 4:30 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक है और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
लक्ष्मण, तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए, रिटायरीज के लिए, कि महंगाई भत्ता दरअसल आज कैबिनेट की बैठक में इसमें 4% का इजाफा आता हुआ दिखाई देगा, जो 46% से बढ़कर 50% किया जा सकता है। आगे कुछ और डिटेल्स लक्ष्मण के हाथ लगेंगे तो उसकी जानकारी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बैठक आज कैबिनेट और CCA की शाम को होने वाली है। चलिए अब आते हैं खिलाड़ी नंबर वन पर, और जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं उसका किस तरह का रिटर्न बनता दिखाई दिया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और स्थिति देखिए, अमित त्रिवेदी ने IDFC फर्स्ट बैंक 90 का टारगेट दिया, 78 का स्टॉप लॉस है। जमुना ऑटो 150 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। आज आया एक और, वो है उज्जीवन, 56 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। सबसे शानदार रिटर्न कौन सा शेयर कमाकर दे रहा है, वो है IDFC फर्स्ट, जो कल से आज कैरी किया है 1% के रिटर्न्स इधर। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। आशीष ने दरअसल अवंती फीड जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है, 605 टारगेट है और यहाँ पर 533 स्टॉप लॉस है, 233 नहीं 533, तो वो करेक्ट कीजिएगा। 0.21% का योगदान ये स्टॉक दे रहा है। सोनी के पोर्टफोलियो में दो नए ट्रेड हैं, एक बिरला सॉफ्ट 840 टारगेट, 770 स्टॉप लॉस, और दूसरा बायोकॉन 323 टारगेट और 272 स्टॉप लॉस। इन्होंने एक्सिस बैंक भी कैरी किया है, 1200 का टारगेट है, 1090 का स्टॉप लॉस लेकर चल रही हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है रिटर्न्स की, बायोकॉन 0.23% जोड़ रहा है, बिरला सॉफ्ट 0.14, एक्सिस बैंक आज थोड़ा सा नर्म है, इनके रिटर्न्स को नीचे ला रहा है। अब ओवरऑल स्थिति रिटर्न की क्या बन गई है, अमित आगे बढ़ गए हैं, 3.5% के रिटर्न्स इनके, आशीष कयाल 2.78% के रिटर्न्स पर हैं, सोनी का रिटर्न अब -4 है। कोई भी बदलाव होगा तो हमारे जानकार उसका अपडेट जैसे ही देते हैं वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगा और 1 बजे मिड कैप मंत्र में इसका अपडेट लेंगे। और आज दोपहर में ऑफकोर्स खिलाड़ी नंबर वन के इस हफ्ते के विजेता से भी होगी बातचीत। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। फायदेमंद फंड्स में म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान, इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका ROE ROC प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए है फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो बताइए क्या होता है ये ELSS हमारे दर्शकों को? ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर। इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें, अगले तीन महीने तक आप रोज मतलब एक शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुंच जाए तो। अब देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं ना, कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में, पिछले 3 महीने वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा बैंक है, टू बिग टू इग्नोर है। और इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज सुबह बिग स्टॉक में भी था हमारे, और मैं इसको कंसिस्टेंटली, इनफैक्ट आगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट की लिस्ट में दिखेगा।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन में जल्दी आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे 66 रुपए का टारगेट और करीब करीब 42 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट को एक कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियाँ राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। यहाँ पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया। सपोज करिए बैंक्स भी चलने लग गए तो HDFC बैंक अब तक चला नहीं है, उसकी पूरी मीम फैक्ट्री बन चुकी है। अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना था? 48,000 समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर, जैसे एक बार जरा, हाँ निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई था करीब करीब 48,636 और अभी हम है कितना, एक बार जरा वापस बैंक निफ्टी ले आइए, 46,619 एग्जैक्टली 2000 पॉइंट दूर है अभी हम बैंक निफ्टी। 2000 पॉइंट मतलब इस लेवल पे 4% हो गया, 4% छोटा नहीं होता। तो बैंक निफ्टी अभी चला नहीं है, उसके बावजूद निफ्टी इतना चल गया। और एक जो चीज़ आपने पूछी थी ना, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपके वर्सेज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन ये चीज़ 6 महीने से चल रही है, 6 महीने से हर कोई बोल रहा है कि अब लार्ज कैप चलेंगे, अब लार्ज कैप चलेंगे, अब मिड कैप में पैसा नहीं बनेगा और वहाँ से मिड कैप और चलें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। और नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में और आज बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर ऑल टाइम हाईज डॉलर टर्म्स में और रुपए में यहाँ पर देखने को मिले हैं और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सोना बहुत जल्दी 67,000-68,000 तक भी जा सकता है। क्या है इसके पैरामीटर्स, कैसे आप करें सोने में कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर यह तीसरा हफ्ता ऐसा होगा जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। $83 के आसपास के स्तर यहां पर, यूएस फेड की जिस तरह की मीटिंग की स्टेटमेंट्स हैं उसका सपोर्ट तो है ही। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने भी अब एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाने की बात की है, जिसका भी फायदा यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ नजर आया। साथ ही बात करेंगे खाने के तेल की, जहां पर पाम तेल के भावों में लगातार तेजी है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नया सोया तेल यहां पर लॉन्च होने वाला है वायदे के मुताबिक। इसका इंडियन मार्केट्स के लिए क्या मीनिंग है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ेंगे मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, साथ ही वंदना वेंडा इनसाइट्स की फाउंडर वंदना हरी, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, और ब्रिक के साथ हमारे होंगे इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। लेकिन शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ करेंगे क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहां देखने को मिली। हर्षल, कैसे देखते हैं आप वन वे प्राइस मूव, क्योंकि इस साल की शुरुआत 2050-2060 डॉलर के साथ हुई थी। हम 2150 के आसपास अब कारोबार कर रहे हैं, यानी कि $100 की तेजी अपने लोज से सोने ने 2 महीनों में दिखाई है। तो मनीषा, लास्ट 1-1.5 हफ्ते में हमने जो डेवलपमेंट देखी है, मैं उसे थोड़ा समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि यूएस में जब कोर पीसी डेटा रिलीज हुआ तब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ, क्योंकि जनवरी सीपीआई डेटा में हमें तेजी देखने मिली थी, यूएस में स्पाइक देखने मिला था। तो जैसे ही मार्केट को एविडेंस मिला कि कोर पीसी जो फेड ट्रैक करता है वो नंबर वो स्पाइक नहीं हुआ है, तो एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट में कि यू नो गोल्ड बाय कर सकते हैं यहाँ से। और फिर क्योंकि टेक्निकल लेवल ब्रेकआउट होते गए और फिर यूएस में और भी डेटा वीक आए, हमने गोल्ड में जो है ये रैली देखी है। तो फिलहाल जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है,
कोई भी एविडेंस नहीं है यहाँ पे यूनो के प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से रिवर्स हो जाएगा. येस टू एन एक्सटेंड बहुत एक स्पेकुलेटिव पार्ट रहा है इस रैली में, बट फिलहाल वो मोमेंटम चेंज होता हुआ नहीं लग रहा है एकदम शॉर्ट टर्म में. ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि $2,200 जो एक काफी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस शायद प्रूव कर सकता है मार्केट के लिए. तो शॉर्ट टर्म यू नो तेजी कंटिन्यू रह सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि क्योंकि टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट ये रैली स्पेकुलेटिव भी रही है, तो यू नो करेक्शन जब आएंगे तभी वो यू नो थोड़े हैवी हो सकते हैं. जैसे आपने कहा 2200 पॉसिबिलिटी है और करेक्शंस यहाँ पर रूल आउट नहीं करने चाहिए, लेकिन जो करेक्शंस आप आता हुआ देख रहे हैं कहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन सकता है? तो मनीषा अभी तक जो एविडेंस है मार्केट में यू नो प्राइस के हिसाब से 2000 का लेवल जो है $2000 का इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने मार्केट को दिया है. डिस्पाइट के यू नो यूएस इन्फ्लेशन डेटा ज्यादा आया था और मार्केट ने जो है 125 बेसिस पॉइंट की कट से 75 बेसिस पॉइंट कट का जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में रीएडजस्टमेंट हुआ इसके बावजूद गोल्ड $2000 के नीचे नहीं गया था. तो मैं ये मानना चाहूंगा कि $2000 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब मार्केट के लिए होगा. ओके हर्षल, आपने फंडामेंटल्स एंड मैक्रोस तो यहाँ पर समझाए ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर मांग कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो रिटेल और ज्वेलरी बायर्स हैं वो शायद एक बार के लिए रुक जाते हैं, प्राइसेस अभी भी चढ़ रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी का इंतज़ार शायद वो करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स डिमांड ETF बाइंग की जहाँ तक बात है, सेंट्रल बैंक बाइंग काफ़ी सपोर्टिव रही है, तो ऑन खरीदारी अब कहाँ से बनेगी? तो मनीषा खरीदारी डेफिनेटली सेंट्रल बैंक बाइंग जो है लास्ट दो सालों से काफी स्ट्रांग रही है. इस साल में भी जनवरी का जो डेटा है उसमें हमने देखा कि चाइना और टर्की सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को ऐड किया है, तो डेफिनेटली वो बाइंग वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रांग रहेगी आगे जाके. जैसे आपने कहा ज्वेलरी डिमांड पे हायर प्राइस पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होती है, लेकिन फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड है यू नो वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है. ETFs में भी आउटफ्लो हमने कंटिन्यू देखे है वेस्टर्न मार्केट्स में, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स है या ऐसे मार्केट्स है मिडिल ईस्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट जैसे मार्केट्स है जहाँ पे करेंसी को लेकर कंसर्न है, करेंसी बहुत फास्ट डिप्रिशिएट हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं गोल्ड को प्रेफर करते हैं अपना परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करने के लिए. तो यू नो उस लेवल की जो डिमांड है वो शायद कंटिन्यू रह सकती है मार्केट में फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है. ऑलराइट जैसे आपने कहा 2200 तक यहाँ पर सोना जा सकता है, तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है. हर्षल, आप कहेंगे जो टेक्स्ट बुक का हम देखते हैं उस हिसाब से मार्केट्स फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रहे, इक्विटी मार्केट्स में तेजी है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाईज पर है, सोना भी ऑल टाइम हाईज पर है, कैसे देखते हैं आप ये स्मार्ट मनी मूवमेंट? डेफिनेटली मनीषा ये जो है बहुत बड़ी मिस्ट्री है फिलहाल मार्केट्स में, बट आई थिंक हिस्टोरिकली जब भी ये देखा गया है तो डेफिनेटली वो लिक्विडिटी ड्रिवन मूव्स जो होती है मार्केट में तब सभी एसेट्स एक साथ रैली करते हैं. तो अभी क्योंकि सेंट्रल बैंक की रेट कट्स को लेकर एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा है, क्योंकि जितना फेड रेट कट्स को अभी डिले कर रहा है मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये बढ़ रही है कि शायद इवेंचुअली फिर उनको और ज्यादा फास्ट रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि रेट जो है काफी हाई है 5.5% यूएस में जो है, तो अगर इन्फ्लेशन 2.5% पे आ जाता है तो वो स्कोप छोड़ता है कि फेड को एटलीस्ट 250 बेसिस पॉइंट का कट इवेंचुअली करना पड़ेगा और जो काफी फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी रेट कट नहीं हो रहे तो आई थिंक काफी लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कंडीशन जो ईज हो रहे हैं वो ड्रिवन मूव फिलहाल अक्रॉस मार्केट हमें देखने मिल रहे हैं. ऑलराइट, एब्सोल्युटली अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट्स में है, एक बार रेट कट्स होने शुरू होंगे तो उसका इम्पैक्ट देखना होगा कि बाजार में किस तरह का आता है, लेकिन एब्सोल्युटली सभी एसेट क्लासेस में तेजी और सोने ने आपको काफी बेहतरीन रिटर्न्स वहां पर दिए हैं. हर्षल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने के बारे में वहां पर बात भी करने के लिए. बात अब हम यहां पर कच्चे तेल की करेंगे क्योंकि यहां पर काफी मूविंग पार्ट्स ऑफ द पजल हैं. हमारे साथ वंदना हरी जुड़ चुकी हैं. वंदना नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. टू बिगिन विद, जिस तरह से सरप्लस की एक्सपेक्टेशंस अब बाजार यहां पर कर रहा है आगे जाता हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि $90 की आप यहां पर थर्ड क्वार्टर में आता हुआ देख पाएंगे, क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करेंगी क्रूड प्राइसेस के लिए? नमस्कार मनीषा जी. तो मेरे हिसाब से अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म लेते हैं, अगले कुछ दिन हफ्ते और 3 से 6 महीने, तो मेरे ख्याल से जो ये गाजा क्राइसिस चल रहा है,
काफी यूएस कतार और इजिप्ट मिलकर काफी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समझौता हो जाए हमास और इसराइल के बीच में, पर अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये गाजा क्राइसिस फिलहाल तेल बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस ड्राइवर है। अगर हम ब्रेंट को देखते हैं तो अभी 82-83 डॉलर्स पर बैरल के लेवल पे बना हुआ है, काफी दिनों से इस लेवल पे बना हुआ है। इस लेवल पे मेरे हिसाब से कम 6-7 डॉलर प्रति बैरल इसमें रिस्क प्रीमियम है जो हम कहते हैं। तो मिडल ईस्ट में काफी तनाव बना हुआ है काफी महीनों से, पिछले अक्टूबर से, पर वहां से सप्लाईज कुछ इफेक्ट नहीं हुए हैं। सप्लाईज वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। ऑफ कोर्स शिप्स को जो कुछ काफी शिप्स रेड सी वाला एरिया अवॉइड कर रहे हैं तो उनको लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। ज्यादातर ये शिप्स हैं जो यूरोप के लिए तेल ले जा रहे हैं। तो ये जो 6-7 डॉलर का प्रीमियम है, मेरे हिसाब से अगर सीज फायर डील हो जाती है, और जो कि होनी चाहिए अगले कुछ दिनों में क्योंकि रमदान शुरू होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि ब्रेंट का जो नेचुरल, मोर नेचुरल इक्विलिब्रियम लेवल है वो मेरे हिसाब से 75 डॉलर्स के आसपास होगा। आपने बात की डिमांड सप्लाई बैलेंस की, तो अगर हम 24 में इसके गाजा क्राइसिस के अलावा अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो काफ़ी अभी चर्चा चल रही है, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं एनालिस्ट में, मार्केट कम्युनिटी में, कि क्या इस साल सरप्लस सप्लाई होगा या कम होगा, इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी या कम होंगी। काफ़ी इसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी है जो मेनली इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर है। तो आपके पहले गेस्ट चर्चा कर रहे थे जैसे फेड इंटरेस्ट रेट्स को लेके क्या करते हैं, यूएस में रिसेशन होता है, अगर नहीं होता तो इकोनॉमी कैसे किस हिसाब से यूएस में बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो इन सब को लेके काफ़ी डिबेट अभी भी है ऑयल मार्केट्स में। एब्सोल्युटली, सऊदी अरेबिया यहाँ पर एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाने वाला है, इसे कैसे देखती हैं? हाँ, उन्होंने अप्रैल में जो अप्रैल लोडिंग कार्गोज हैं एशिया के लिए उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है जो उनका ऑफिशियल सेलिंग प्राइस होता है उसमें। पर एट द सेम टाइम उन्होंने जो उनके यूरोप और यूएस में, मोस्टली यूरोप और मेडिटेरेनियन में जो कस्टमर्स है उनके लिए रेट्स काफ़ी कम किए हैं। हो सकता है क्योंकि उन लोगों को फ्रेट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि उनके लिए काफ़ी लंबा चक्कर लेके आ रहे हैं शिप्स, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत बैलेंस ही करना पड़ता है। अगर सऊदी अरामको ने उनके लिए रेट्स कम किए हैं तो एशिया के लिए उनको बढ़ाने पड़े। ऑल्सो आई थिंक कुछ पिछले एक दो महीने से ये देखा जा रहा है कि इंडियन रिफाइनर्स जो हैं ये मिडल ईस्टर्न सप्लायर्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा उनसे तेल मांग रहे हैं क्योंकि रशियन जो इन्फ्लोज हैं इनटू इंडिया वो थोड़े से कम हो गए हैं। तो ये देख के भी शायद हो सकता है आराम को ने कॉन्फिडेंस आया हो कि थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ा दे। ऑलराइट, तो आपको नहीं लगता कि भाव 90 पर जाएंगे, आपको लगता है कि अगर सीज फायर हो जाता है तो प्राइसेस एक्चुअली करंट लेवल से भी नीचे आएंगे। तो अगर आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ देखें, मैक्रोज भी अगर इसमें डाल लें, बाकी फंडामेंटल्स भी रख लें, तो कैसे देखती हैं आप इस साल के दो भाग करके? हाँ मनीषा जी, 90 डॉलर्स डेफिनेटली मेरा बेस केस के आसपास कहीं भी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है गाजा को लेकर ये और भयानक रूप ले ले, अनफॉर्चुनेटली फिर अगर वहां से सप्लाई अफेक्ट हो जाती है तो हो सकता है, पर मेरा बेस केस ये नहीं है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मेरे हिसाब से इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई एम होपिंग कि सेकंड हाफ में ये गाजा क्राइसिस कम से कम अगर खत्म नहीं हो जाता तो थोड़ा कम हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से 78-80 डॉलर्स ब्रेंट के लिए ये रेंज ठीक है इस साल के लिए। ऑलराइट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाजार में ज़रूर हैं, तो उसके ऊपर एक नज़र रखनी होगी। वंदना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आपकी वो हिंदी में कोशिश के लिए भी और सारा डिटेल में हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस समझाने के लिए भी। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खाने के तेल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
पिछले 2 साल से हमने पीएसयू बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू बुक पे, आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है। जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम पीएसयू बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में एनबीएफसी पे। प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में। बैंक और आईटी, इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए। जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदर्शन दिखाई रहे, तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। इस समय ना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक आप रोज मतलब एक शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा है जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुंच जाए तो। अब देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं ना, कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में, पिछले 3 महीने वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा बैंक है, टू बिग टू इग्नोर है। और इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज सुबह बिग स्टॉक में भी था हमारे, और मैं इसको कंसिस्टेंटली, इनफैक्ट आगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट की लिस्ट में दिखेगा। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हार्मोनिक को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपये वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है, ये 325 पे रखना है। बोलिए बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में। स्वागत है आपका, हमारे साथ अजय केडिया बने हुए हैं। अजय, सोने में सबको लगता है यहाँ से और तेजी है, आपने भी $24 प्रति आउंस के लेवल्स की बात यहाँ पर लगातार इस साल के लिए की है, इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर कैसे ट्रेड किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो हमने रखा था कि 24 में 2400
बट जिस ढंग से हमने पिछले चार सेशन में जो रैली आती हुई देखी ये थोड़ी सरप्राइजिंग थी, बिकॉज हमको ये चीज क्लियर थी कि रेट कट होंगे बट जून में इमीडिएटली इतना बड़ा एक्शन हम फ्राइडे को देखे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस अप्रोच देता है, बिकॉज $150 के ऊपर की तेजी हमने पिछले चार सेशन में देख पाए हैं। नो डाउट लॉन्ग टर्म ईयर एंड तक हम कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो 2260 या 2300 तक देख सकते हैं, जो 70,000 के करीब होता है डोमेस्टिक मार्केट में। बट फ्रेंकली मुझे लगता है जो अभी ये चार दिन की रैली है इसके बाद थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है जो हमने दिसंबर में भी देखी थी, $2400 टच करने के $2140 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस में 2000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली मुझे लगता है कि करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए, वापस प्राइसेस को 2000-2020 तक का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 0.25 का रेट कट अभी भी एक असमंजस बना हुआ, क्योंकि कल फेड के जो स्टेटमेंट्स आए थे वहां पे हमने देखा डेटा ड्रिवन पे बात हो रही थी, वो मुझे लगता है थोड़ा क्रिटिकल, तो करंट लेवल से वेट करना चाहिए, प्राइसेस में एक पुलबैक पॉसिबल है। जैसे वंदना ने बोला अजय कि कच्चे तेल में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखती हैं, ऑफकोर्स सिटी यूबीएस की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, उनका मानना है, इवन बैंक ऑफ अमेरिका फॉर दैट मैटर का मानना है कि हम 90-95 जैसे स्तर सेकंड क्वार्टर में देख पाएंगे। काफ़ी डिवाइडेड व्यू है स्ट्रीट पर, लेकिन इंडियन मार्केट्स में और आपका क्या सेंस है? देखिए बिल्कुल कच्चे तेल में देखे तो एज ऑफ नाउ मार्केट टग ऑफ वॉर में अटक चुका है, हम देख रहे हैं कि ब्रेंट 85 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 80 के नीचे जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये प्राइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा जो ब्रेंट 90 बांड में वापस जाने की ताकत रखता है। बट उसके विपरीत अगर हम डिमांड की बात करें, चाइना से जो हो पिछले साल था वो बिल्कुल भी नहीं मीट हो पाया, जिसकी वजह से प्राइसेस में अपसाइड भी कैप है, तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही है। हाँ, टेक्निकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है ब्रेंट में, जहां पे मुझे लगता है 85 के ऊपर वीकली क्लोज करता है तो श्योर शॉट है कि हम एक हायर साइड में स्पाइक देख सकते हैं, बिकॉज डिमांड कंसर्न अभी भी है जो 88-88.50 का लेवल दिखा रहे हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे हमने कंसोलिडेशन देखा था 6300 से 6600 का, टाइमिंग मुझे लगता है कि हम 66 के बिल्कुल करीब ट्रेड करें, अगर ये वीक 66 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो स्पाइक देख सकते हैं जो 6800 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स कहीं ना कहीं मार्केट में अब वापस दिखाई देने लग गए हैं। तो ये लेवल्स हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको बता दें जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर चल रहे हैं कि मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो मार्केट शेयर है वहाँ पर वो ऑन द हायर साइड है, ऑफकोर्स लीडर इन द मार्केट शेयर 62.2% लोगों ने यहाँ पर मार्केट आवर्स में सीएनबीसी आवाज़ को देखा है, आपकी स्क्रीन पर है ये, और आपको शुक्रिया भी करना चाहते हैं आपके ट्रस्ट आपके भरोसे और आप जो टाइम स्पेंड करते हैं हमारे साथ ड्यूरिंग द डे, फिर चाहे हम वो कवरेज हम आपको न्यूज़ में देते हैं कमोडिटीज़ में इक्विटीज़ में पूरे बाजार पर ब्रेकिंग न्यूज़ एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स टॉप एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बनते हैं, तो वो भरोसा बनाए रखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट शेयर ऑफ कोर्स ऑन द हाइज और नंबर वन की पोजीशन पे यहाँ पर सीएनबीसी आवाज आपकी स्क्रीन्स पर। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एडिबल ऑयल की करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी खबरें आती हुई नजर आई हैं, और इन सब के एनालिसिस के लिए सुधाकर देसाई हमारे साथ हैं। सुधाकर जी नमस्कार, सबसे पहले तो प्राइसेस पे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पाम और सोया ऑयल में मूवमेंट्स देखने को मिली हैं, जहाँ पर ओवरऑल हिस्ट्री हमने यहाँ पर चेंज होते हुए देखी विद द सेंस ऑफ डिस्काउंट इन सोया तेल और पाम के प्रीमियम्स, एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है, आगे जाके क्या नजर आएगी? थैंक यू मनीषा जी, एंड लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी। So it's a very great misalignment of the planetary position, because okay, traditionally you always find palm to be the cheapest, and today it is the most expensive oil today. So palm also means palmistry, right? So okay, just back from the global price outlook, I think the basic fundamental issues are, as we go, the palm nearby is very, very tight, which is why today you have, let's say, $980 palm, $950 soya, $930, $920 sun oil. You have never seen such a thing happening. But when we really analyze what are the reasons behind it, I think it is just that the nearby palm production growth has not been very good, but February onwards, palm production is going to go up, number one. Number two, palm cannot afford to lose its market share. Number three, in the very short term, because all the soft oils are going to connect into all the destinations, including India, there might be a temporary spike in palm as expected. That is what has happened. Okay. And but eventually, if you ask me, at least the paper that I presented globally in Malaysia, during April, May, June, palm prices should come back competitive to soya.
So they should be in the range of $900 to $940, which is about $40-$50 lower than today. Okay. And soybean oil will also be competitive with palm oil prices, which also means a different thing today, which for India means that the imports of soft oil, that is soybean and soya, will occupy a major role in Indian markets. I expect out of import basket of India, if 60% was palm, it has a tendency to come down to 54 or 53% also, okay, giving way to more imports of soft oil, price-wise. Okay. So globally, we estimate all the globe oil, 199 metric tons, and demand to be about 200 million metric tons, okay, all oils put together. And just now we were discussing about the crude oil situation, that is the fuel. Since out of this 200 million metric tons, 50 million metric tons, that is 25%, goes into making of biofuels. And more talks are happening all over the world of aviation fuel to be made out of edible oil. So in the long term, I think the food and fuel prices are going to converge with each other. Absolutely. So in a nutshell, spot tightness of palm, led by palm, farmer selling in South America because of a very big crop, as you know. All these are the factors. Eventually, palm and soya will probably remain equated longer time than we can imagine. मुझे आपकी वो palm and palmistry वाली जो शुरुआत थी वो काफी बेहतरीन थी. But I'll move on. और ये जो बुर्सा मलेशिया में हम यहाँ पर अब सोया ऑयल के फ्यूचर्स लॉन्च होने की बात देख रहे हैं, जो काफी प्लेटफॉर्म्स पे कंफर्म भी हुई है, और अब क्योंकि आप मलेशिया में हैं, क्योंकि आपकी वहाँ पर बातचीत भी हुई है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है? Yes, I would go to that for a minute, but I would like to take a minute to say, what does it mean to Indian situation? We have, what are the impact of all this global situation and various price planetary situation on, and what is the opportunity for India? If I wear that hat, I think we need a better seed prices in India. Okay. Consumer prices are controlled. India can make some duty money. And also it can solve the industry issue of excessive refined oil that have been happening. So one solution, one opportunity for solving all the four problems is actually to increase the differential between crude and refined at this point in time. It will also douse some of the rally that palm is trying to make globally. So time is never more appropriate than taking this one particular measurement. We have also tried to advocate this particular opportunity out of all this. Second opportunity is, of course, our palm dependency will reduce. High palm prices are also good for our oil palm plantation mission that we have taken. And longer term, national mission on oilseed becomes all the more imperative. Why? Because globally, palm production हमको दिख रहा है कि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टैग्नेंट बोथ इंडोनेशिया एंड मलेशिया अनलेस दे गो फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज व्हिच इज हैपनिंग एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर इन द रीप्लांटिंग एरिया सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया राइट नाउ एंड द इमीडिएट रिस्पॉन्स दैट वी कैन डू ऑन द टॉपिक ऑफ बुर्सा मलेशिया इनफैक्ट आई हैड डिस्कशन विद बीएमडी रिसेंटली There are what is happening is that the whole world, including India, is struggling with a lack of proper tool for hedging the movement of soya oil towards Asia, including India. So Bursa Malaysia has introduced a Dalian, the Chinese exchange linked dollarized contract for soya oil, and one can trade and hedge. More important to use it as a hedge mechanism. Okay. The future will be to decide how much of liquidity will happen, okay, how much of correlation we will find with the CNF India import prices and this particular product that is being launched. Hopefully, if it works out well, it will solve a major risk management issue in movement of soft oil in the context where soft oil is going to move to Asia much larger than last year due to bumper crop in South America.
ऑल राइट, तो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया लैक करता है यहाँ पर हेजिंग टूल, तो काफी हद तक जो रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज हैं एशियन मार्केट्स में वो यहाँ पर बुर्ज़ा मलेशिया सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। क्लियरली जो इंडिया का लॉस है वो मलेशिया का यहाँ पर गेन है, लेकिन एक प्राइस डिस्कवरी वहां पर जरूर होती हुई नजर आएगी। सुधाकर जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया इतने सही तरीके से वो पूरी की पूरी जो इश्यूज है समझाने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की। चुनावी रंग में रंगा बाजार, मोदी सरकार की वापसी का मार्केट को है इंतजार। पॉलिसी कंटिन्यूटी के साथ साथ नए रिफॉर्म्स की भी होगी भरमार। पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इन सब के बाद नई सरकार में कौन होगा गुलजार? नई सरकार के बनने से पहले नए पोर्टफोलियो को अभी से दें आकार, जिससे आप बने मालामाल। देखिए हर रोज मार्केट आर्स मेरे साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। पिछले दो साल से हमने पीएसयू बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2x हो गया है प्राइस टू बुक। आई थिंक 1.8x कुछ चल रहा है अभी है, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशंस कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम पीएसयू बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में एनबीएफसी पे। प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। 10 के धंधा ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आज एक ट्रेंडिंग डे साबित होता हुआ 22694, इस पर नजर रख के चलिएगा। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। इसका इंट्राडे स्विंग का जो टारगेट होगा वो रहेगा 1500 से लेके 1510 तक। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 2900 पे, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। मार्केट स्ट्रांग बहुत है, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है और सेंसेक्स आज ट्रेंड लग रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड। एक तो ये कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी मैनेजमेंट और सीईओ जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने एचडीएफसी बैंक में। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। अपसाइड में चेज ना करें, 2200 तक के टारगेट है। डिप्स में खरीदारी करने के मौके यहाँ ढूंढिए। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। कल निफ्टी ने क्लोजिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। इसका स्टॉप होना चाहिए 410। बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि गिरा है, बाय करें, 1480 का स्टॉप लॉस होगा। मुनाफे की तैयारी सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट को एक कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे, जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं।
प्लस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्विक्शन कॉल्स क्या रहेंगे? चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपके इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 910 के टारगेट्स में देखते। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। आईटी पे तो मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है, आज का नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक महीना हो गया इस पर, कि इस साल आपके पोर्टफोलियो का 25% करीब आईटी होना चाहिए। बस आईटी में दिक्कत एक आ गई है, आईटी में अब वापस वैल्यूएशन जो है प्रीमियम पर आ गई है कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। 2021 वाली वैल्यूएशंस अभी भी नहीं आई हैं, लेकिन 22 वाली, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रीमियम पर आ गई है, तो वो रिस्क रहेगा। लेकिन क्लियरली यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और एक गो टू पॉकेट आईटी, जब भी डिक्लाइन आए उसमें अगर आप लेंगे तो वो आपको रिवॉर्ड करके देगी मोर ऑर लेस। मार्केट के आखिरी डेढ़ घंटे का सारा एक्शन, फेड के मिनट्स अगर डबिश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरें होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है। डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ मुझे लगता है ये डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सुमित। और वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में आज वैसे तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन है, थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड है, फ्लैटिश साइड पे इंडेक्स आज कामकाज कर रहा है। 22,492 के जोन्स में निफ्टी बना हुआ है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट साइड पर है। निफ्टी बैंक के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है आज मिड कैप स्मॉल कैप, जहाँ पर निफ्टी बैंक करीब करीब 93 अंक नीचे, लेकिन लगातार कॉन्ट्रेरियन सेल ऑफ के बाद कई दिनों के आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास की बढ़त है, कल यही सीवियर डैमेज में था, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज करीब 1% ऊपर है। तो जहाँ एडवांस डिक्लाइन पिछले कई दिनों से डिक्लाइंस के फेवर में चल रहा था, आज ऑन द कॉन्ट्ररी ये एडवांसेस के फेवर में है। करीब 1600 शेयर तेजी में और 664 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज कर रहा है। की कॉन्ट्रीब्यूटर टाटा ग्रुप ऑन फायर, तमाम आप F&O में देखें या निफ्टी में देखें। टाटा स्टील 9 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से, टाटा कंज्यूमर 6 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। थोड़ा डीप जाएंगे तो TCS भी आपको दिख जाएगा इसमें। बजाज फिनसर्व और बजाज रादर दोनों ग्रुप, बजाज ग्रुप और टाटा ग्रुप दोनों में खरीदारी है। बजाज फिनसर्व 8 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन और बजाज ऑटो करीब करीब 7 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन में M&M ब्लॉक का इंपैक्ट है, 16 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। रिलायंस बैकफुट पर, BPCL 13 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन और ICICI बैंक करीब करीब 8 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत जी से, प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, कुछ ऑप्शंस को लेकर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर, जहां पर 22,500, 22,600, 22,700 के आसपास कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 22,500, 22,400 के जोन में मेजर पुट राइटर्स हैं और 22,300 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आज अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक के केस में 48,000 के जोन से थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। 48,200, 48,500 पे कॉल राइटर्स हैं। 47,900, 47,800, 47,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन आज बुलिश साइड पर है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। 77 लॉन्ग है, 46 शॉर्ट कवरिंग है, 46 शॉर्ट है और करीब करीब अनवाइंडिंग है 12 शेयरों में, यानी कि 50 शेयरों का करीब 50-55 शेयरों का मोटा मोटा डिफरेंस है। इसके अलावा आज की लॉन्ग साइड पर रादर आपको सब तरफ ही आज टाटा ग्रुप ही दिखाई पड़ेगा। तो टाटा केमिकल 14% ऊपर, टाटा पावर 5% ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% ऊपर, लॉरस लैब 2.5% ऊपर, GNFC 2.5% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 6% के आसपास की तेजी, चंबल फर्टिलाइजर 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 5% ऊपर, ओरेकल नए हाइस की तरफ 3.5% ऊपर और बायोकॉन करीब करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर है। शॉर्ट बिल्डअप है M&M में न्यूज फ्लोज के बीच में। BPCL 2% नीचे, SBI लाइफ 1.5% नीचे, अपोलो टायर और HPCL वो MCs रादर प्रेशर में। सीमेंट में से JK Cement 1.5% नीचे है, महानगर गैस लगातार प्रेशर में, कल भी क्वाली हैवी और आज भी 1.25% नीचे, एलकेम लैब 1% नीचे, टोरेंट फार्मा 1% नीचे और कोल इंडिया फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, ये सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम बातचीत करेंगे प्रशांत सर से मार्केट्स को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा आज टाटा केमिकल, पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए।
करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहाँ से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। 14% की शानदार तेज़ी आज भी है, आज एफ&O का टॉप गेनर भी है, और साथ साथ एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट की एफ&O के स्टॉक ने पिछले 3 सत्रों में करीब करीब 30 से लेकर 35% के आसपास। तो टाटा केमिकल आज का स्टार परफॉर्मर आपकी स्क्रीन पर कामकाज करता हुआ। अब इसके साथ ही शुरुआत करते हैं हम बातचीत करने की प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा कि बाजार में इंडेक्स फ्रंट पर तो फिर भी इतना डैमेज नहीं हो रहा है जितना मिड कैप स्मॉल कैप में हो रहा है। कल भी मिड कैप में सीवियर डैमेज था, आज मिड कैप थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, स्मॉल कैप भी आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन आज इंडेक्स रेंज बाउंड है। सो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, अभी कैसे डिसीजन लिए जाए? सुमित जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें तो काफी स्ट्रेंथ कल दोपहर के सत्र से नजर आ रही है, जो कि हम ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 22,500 स्पॉट जो एक अहम लेवल है उसके आसपास ही कामकाज हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट एक अहम लेवल होगा वो होगा 22,550, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकती है। फिलहाल क्या करना होगा, तो जिनके पास लॉन्ग्स है वो 22,350 स्पॉट ये स्टॉप लॉस बना के रखें, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो काफी वक्त से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं वो थोड़ा और डीप यानी 22,200-250 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए कैरी करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली अगर हम ये जो अगले 50 पॉइंट 22,550 को क्रॉस करके क्लोज होते तो और 100-150 पॉइंट हम 22,700 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है लेवल टू लेवल बात करना बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ 23,000 और 23,500 बात करना, तो हर बार 50-100 पॉइंट की रिस्क और 200-250 पॉइंट का रिवॉर्ड रख के आपको ट्रेड प्लान करनी होगी बेस्ड ऑन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। बट इसके सामने जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले हफ्ते से कि बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्मर लग रहा है, ये मैंने मार्च के पहले दिन से कहा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्लियर कट ट्रेड जो मुझे नजर आ रही है जो हाई बने हुए हैं करीबन 48,150 स्पॉट, इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब ये लेवल है प्रॉफिट बांधने का, बट इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए तो ट्रेड आपको ये करनी होगी जब भी मिल जाए, हो सकता है आज कल परसों, बट 48,150 जोन स्पॉट के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है आप लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखिए 47,700 और वहां से आपको जो टारगेट रखने चाहिए टारगेट 149,000 का उसके ऊपर 49,200। मुझे लग रहा है कि ये अगर क्लोजिंग मिल जाए जो कि एक गैप है 48,150 48,150 के ऊपर तो स्ट्रेट 1,000 पॉइंट की रैली हमें मिल सकती है, तो मैं उस क्लोजिंग के लिए ध्यान रखूंगा। तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा, बट मेरे रडार में सबसे टॉप पे निफ्टी के भी ऊपर बैंक निफ्टी रहेगी। ये क्लोजिंग जैसे ही मिल जाए मेरे हिसाब से हमें एक लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे इनिशिएट करनी चाहिए। तो आपको राय रणनीति बताई गई है बैंक निफ्टी निफ्टी को लेकर। प्रशांत सर इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या लगता है कुछ करना चाहिए, कहां पर लॉन्ग हो आप कहां पर शॉर्ट? तो सुमित जी शॉर्ट फिलहाल नहीं नजर आ रहे, बट अगर हम और एक मिनट आए कि मुझे लग रहा है अगले हफ्ते शायद मिड कैप आईटी पिकअप हो, आज मैंने रडार में नहीं इसलिए नहीं रखे बट आपके वॉचलिस्ट में होने चाहिए। आज की जहां तक बात है तो मेरा फर्स्ट पिक होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है 2425 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के आप 2575 का टारगेट रख सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये सेक्टर भी स्ट्रांग है और इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी SRF, यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और हम 2410 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं 2410 और टारगेट रखेंगे 2525। और नेक्स्ट पिक में एक थोड़ा कंजर्वेटिव सेफ बेट एक सपोर्ट से जो बाउंस कर रहा है FMCG डाबर वहां पे लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 524 का 524, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 555 से लेके 560 550-560 के होंगे। डाबर और SRF पहले इन दो शेयरों पे आप एक बार नजर डालिए। डाबर करीब करीब 5 अंकों के आसपास ही तेजी है, 5 रुपए का उछाल है, करीब 1% की तेजी है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। और दूसरा SRF केमिकल स्पेस में वैसे भी एक बढ़िया बज बना हुआ है, तो बढ़िया बज का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो 2% के आसपास की तेजी यहाँ SRF में देखने को मिले। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पहला नाम 2575 के टारगेट्स के लिए, दूसरा नाम है SRF, तीसरा नाम है डाबर जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। 2525 का टारगेट SRF में रहेगा और डाबर तीसरा नाम जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी खरीदारी चलने की राय है। प्रशांत सर आज के जो 2-3 स्टार परफॉर्मर है पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला है टाटा केमिकल, ये
कल भी हमारे साथ राजेश पालिया सर जुड़े थे, उन्होंने इसमें खरीदारी करके चलने की राय दी थी और बढ़िया टारगेट्स उनके ना केवल अचीव हुए बल्कि टारगेट से कहीं ज़्यादा ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 14% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टाटा केमिकल के अंदर क्या करें, दूसरा टाटा पावर, क्योंकि ये टाटा केमिकल की जो कॉल है आपकी स्क्रीन पर 1331 पे भी ये चल रही है, 1120 का टारगेट था और ना केवल टारगेट अचीव है बल्कि उससे 200 रुपये ऊपर ट्रेड करता हो दिखाई पड़ रहा है। तो ये राजेश सर की पहली कॉल थी, कल राजेश सर का दिन था, इनफैक्ट इनके तीन कॉल से तीनों टारगेट्स अचीव हुए थे। तो प्रशांत सर, ये टाटा केमिकल और टाटा पावर, इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि टाटा केमिकल्स मैंने अपने क्लाइंट्स को 965 के लेवल पे रेकमेंड किया था। मैं यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, इतनी बड़ी नहीं, मेरे जो टारगेट्स थे वो 1150 से लेके 1200 तक थे, बट मैं एक मोमेंटम बेस्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ऑलरेडी टारगेट्स हो चुके हैं। अभी अगर किसी के पास भी लॉन्ग पोजिशन हो तो हम ऑलमोस्ट 1350 पे, कोई फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी इमोशनली करनी नहीं चाहिए। अभी इसमें डिप मिल जाए, बट डिप भी कहाँ तक मिले तो वो भी एक सवाल होगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करें, थोड़ा डीप रखें, 1290-1300 राउंड नंबर का एडवांटेज लीजिए, एक स्ट्रांग जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो 1290 से आप ट्रेल कीजिए, और जब तक फिर से अगर 1400 का लेवल भी दिख जाए तो आपका स्टॉप लॉस 1350 पे लाइए। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल कीजिए और मुझे लग रहा है कि ट्रेल करके प्रॉफिट बांधना एक सही तरीका होगा, बाद में आगे जाके जब डिप आए और बाउंस करे तब डेफिनेटली इसमें एक बाय करेंगे। फिलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करना चाहिए। जहां तक टाटा पावर की बात है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट है और एक अपने आप ही वॉल्यूम्स एक स्टेटमेंट कर रहा है, करीबन 419 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ अभी भी कोई बाय करना चाहे एक अच्छा चांस है यहाँ पे एंट्री करने का। इसके वर्ड सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा 410 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 409 के आसपास, और ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करें आपको काफी कंफर्टेबली जो पूरी रेंज है करीबन 40-50 पॉइंट की, तो आपको 440-450 तक के लेवल्स कंफर्टेबली दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है 10 पॉइंट के रिस्क यहां लेने लायक है। तो 10 पॉइंट का रिस्क यहां पर लेने लायक है और टाटा पावर में एक नया रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी कुछ, एक टाटा कम्युनिकेशन को आप रेडी रखिएगा क्योंकि तीसरा शेयर वो जिसमें एकाएक बाइंग आते हुए दिखाई पड़े डीआई पर है, आगे बातचीत करूंगा प्रशांत सर उसके ऊपर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आ रहा है कि जूट की MSP 285 रुपया पर क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव है, ये एक कैबिनेट में अप्रूवल आ सकता है। दूसरा मतलब ये एग्जिस्टिंग जूट की MSP है वो आपकी स्क्रीन पर है 5050 के आसपास, उससे इसे बढ़ाने की बातचीत है। AI मिशन को करीब 10,000 करोड़ रुपये के एक जो रकम है वो मिलने की बातचीत है और भीम और UPI को करीब करीब 3500 करोड़ रुपये का एक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स आ सकते हैं, क्या अपडेट्स हैं इस पर लक्ष्मण जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के एक AI मिशन को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को विकसित करने के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर सकता है। लक्ष्मण सर मौजूद भी हैं हमारे साथ। लक्ष्मण सर, ये क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कैबिनेट की मीटिंग है आज इम्पोर्टेंट और उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? जी सुमित सर, दरअसल खबर यह है कि एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट की इस बैठक में होने जा रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। सरकार AI मिशन को लॉन्च करने जा रही है, इस AI मिशन पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च करेगी और बहुत स्पेसिफिक कहूँ तो करीब 10,300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। और इस AI मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बेहतर तरीके से, कैसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए इस पर जोर होगा। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे विकसित किया जाए इस पर जोर होगा। सरकारी कामकाज में यहाँ तक कि निजी कंपनियाँ भी कैसे बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करें इस पर जोर होगा। तो ये जो है सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है कैबिनेट का होने जा रहा है, AI मिशन को जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। दूसरा, जूट, जी हाँ, जूट की MSP जो है वो सरकार 285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है, अभी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है। तो जूट की MSP का बढ़ना भी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है और उन राज्यों में चूंकि चुनाव में सरकार जा रही है तो इस नज़र से भी देखना पड़ेगा, जूट उत्पादक किसानों के लिए भी ये बड़ी खबर है क्योंकि 285 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ाया जाना अपने आप में सबसे ज़्यादा में से एक बढ़ोतरी है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है वह है भीम UPI को इंसेंटिव देने का।
जी हाँ, भीम और यूपीआई को इंसेंटिव दिया जाएगा। ये करीब 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इसमें भीम के हिस्से में करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है और यूपीआई के हिस्से में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो कैसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इसकी तरफ भी एक बड़ा कदम होने जा रहा है। और बाकी के फैसले आपको हमने पहले के बुलेटिन में बताया ही, तो वहाँ पर आपको डीए बढ़ाया जाना, एलपीजी सब्सिडी का एक साल बढ़ाया जाना, ये सब प्रस्ताव तो है। और बैठक होने वाली है 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक और सीसीए की बैठक 5:30-6:00-7:00 बजे तक आपको इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बोल रहा हूँ मोटा मोटी मान के चलिए होने की संभावना है। लक्ष्मण जी, कॉन्फिडेंस आप मोटा मोटा मान के चलिए, कॉन्फिडेंस ये क्रेडिबिलिटी है जो सालों से लक्ष्मण जी ने बनाई है। तो आप ये कुछ जो कैबिनेट के फैसले हैं वो शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे आज शाम को, इसके ऊपर कुछ आउटकम पे आप नज़र रखिएगा। लेकिन ये सब प्रस्तावित चीज़ें जो कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं, एआई से रिलेटेड या फिर जूट की एमएसपी से रिलेटेड, और जूट स्टॉक्स पे इम्पैक्ट भी है, तमाम वो कंपनियां लाइए ग्लॉस्टर, लुडलो एंड ऑल जूट कंपनीज जो हैं, उन सब में एक इस खबर के बाद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। और सब करीब 10%, 5%, 8% की बढ़िया तेज़ी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तमाम जूट स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा अपमूव इस खबर के बीच में आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे जैसे ही ये कैबिनेट का आउटकम आएगा। और प्रशांत सर, आपसे भी आज कम ही बातचीत हुई, उसके लिए माफ़ी भी और बहुत बहुत शुक्रिया भी, अपना समय आज आपने हमें दिया और हमसे बातचीत की। आपसे हम और बातचीत करते लेकिन समय का अभाव है, वरना बातचीत हो जाती और ज़्यादा भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद रहेंगी, अमीरा शाह मैम मौजूद रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान, जीवन की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका आरओई आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए है फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो बताइए क्या होता है ये एलएसएस हमारे दर्शकों को? ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर। इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक आप रोज मतलब एक शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुंच जाए तो। अब देखिए ये चीज़ें क्या होती है ना, कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में, पिछले 3 महीने वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा बैंक है, टू बिग टू इग्नोर है। और इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज सुबह बिग स्टॉक में भी था हमारे, और मैं इसको कंसिस्टेंटली, इनफैक्ट आगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट की लिस्ट में दिखेगा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन में जल्दी आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स, 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
1640 कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे 66 रुपए का टारगेट और करीब करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ से मार्केट को एक कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियाँ राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। यहाँ पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया। सपोज करिए बैंक्स भी चलने लग गए तो HDFC बैंक अब तक चला नहीं है। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे अगर नजर डालिए तो सेंसेक्स करीब करीब 50 अंक ऊपर, निफ्टी 15 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के, वहां पर ज्यादा अच्छा आपको एक्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज स्टार परफॉर्मर है टाटा समूह, टाटा केमिकल, टाटा पावर, ये दो नाम सबसे ऊपर लेकर आइए जहां पर सबसे जोरदार तेजी है। ऑब्वियसली बात है टाटा केमिकल में वो IPO का ट्रिगर है, 14% की यहाँ पर तेजी। टाटा पावर दूसरा नाम जहाँ पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, करीब 26 रुपये ऊपर है, 7% का उछाल। तीसरे नाम में आप लेकर आइए टाटा कम्युनिकेशन, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाटा टेक, टाटा कम्युनिकेशन एक स्पाइक 1.5% ऊपर, टाटा इन्वेस्टमेंट जो कि ऑलरेडी अपर सर्किट पर चल रहा है 5% की तेजी वहां पर चली रही है, लेकिन टाटा टेक जो कि हाल की लिस्टिंग है वहां पर भी एक अच्छी तेजी आनी शुरू हो गई है, करीब 5% ऊपर ये है टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाटा टेक। दूसरे एक और जो हाल की लिस्टिंग है उसको भी लेकर आइए क्योंकि वहां पर भी अब 4% के आसपास का उछाल आ चुका है और वो भी करीब करीब डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज आप लेकर आइए लार्ज कैप में TCS, जहां पर कुछ देर पहले बढ़िया बाइंग आई थी, 4122-4123 के आसपास के हाइस बनाए और अभी भी बहुत दूर नहीं है, 4141 के जोन्स पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पूरा समूह आज एक बढ़िया तेजी में है, चाहे कैश मार्केट में हो, FNO में हो या इंडेक्स में हो, सब में बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आशीष मौजूद रहेंगे आपसे बातचीत करने के लिए साफ बोर सेंसेक्स में। नमस्कार। पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2x हो गया प्राइस टू, आई थिंक 1.8x कुछ चल रहा है अभी है, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम PSU banks पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में NBFC पे। Private banks अभी भी हमारा अंडरवेट है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में। बैंक और IT इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावरफुल प्रदर्शन दिखाई रहे, तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। इस समय ना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें, अगले तीन महीने तक आप रोज मतलब एक शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर,
अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए उसके बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा है जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुँच जाए तो। अब देखिए, ये चीज़ें क्या होती हैं ना, कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं, लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था, और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में, पिछले 3 महीने वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा बैंक है, टू बिग टू इग्नोर है। और इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज सुबह बिग स्टॉक में भी था हमारे, और मैं इसको कंसिस्टेंटली, इनफैक्ट आगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट की लिस्ट में दिखेगा। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हार्मोनिक को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपी वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी रही है, 325 पे रखना है। बोलिए बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में। जैसे जैसे चढ़ेगा चुनावी बुखार, बाजार में भी छाएगा इसका खुमार, क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन। इस मौके पर चूकिएगा नहीं, करना है सही स्टॉक सिलेक्शन। चुनावी रण में कमाई का प्रण मेरे साथ हर रोज सिर्फ CNBC आवाज पर। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे, जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियाँ राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। चुनावी रंग में रंगा बाजार, मोदी सरकार की वापसी का मार्केट को है इंतजार। पॉलिसी कंटिन्यूटी के साथ साथ नए रिफॉर्म्स की भी होगी भरमार। PSU, रेलवे, डिफेंस, इन सब के बाद नई सरकार में कौन होगा गुलजार? नई सरकार के बनने से पहले नए पोर्टफोलियो को अभी से दें आकार, जिससे आप बने मालामाल। देखिए हर रोज मार्केट आर्स मेरे साथ। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नॉर्मली हम लोग फ्राइडे के दिन न्यूज रूम से आके शो करते हैं, पर इस बार फ्राइडे को तो यानी कि कल मार्केट हॉलिडे है, तो करना तो था इस हफ्ते एक शो आखिरी का, तो सोचा क्यों ना थर्सडे वाला ही शो
वीकेंड स्पेशल बना दिया जाए। तो इसीलिए न्यूज रूम से वापस हम लोग हाजिर हैं, बढ़िया तरीके से आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने की होगी कोशिश। प्लस ये जहां मैं बैठा हूं एसी से दो डेस्क उधर नीरज वाजपेयी की डेस्क है। अभी अभी रिक्वेस्ट प्लेस कर दी गई है, इस लॉन्ग वीकेंड में कहां ओटीटी प्लेटफॉर्म पे समय व्यतीत करना है, थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा होगी। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे भाई। आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब नजर आए। राजेश जी बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो, लास्ट वीक मिले थे क्या अपन लोग? बिल्कुल मिले थे, लास्ट वीक आप नहीं थे, सुमित शो कर रहा था। मैं वही कहूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। क्या हाल चाल सर आपके? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। भाई डायरेक्टर साहब सब कुछ दिखा दीजिए, रीच आउट करने के अलग अलग तरीके, साथ में चलिए वो छोड़ दिए तरीके, वो तो आप सबको रटा दिया है, शो में बीच में दिखा देना आप वो। निफ्टी दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पे, फ्लैट लेवल फ्लैट कामकाज हो रहा है थर्सडे के दिन। आज ध्यान रखिए कि निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन और उसके बाद लॉन्ग वीकेंड की तैयारी, तो थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन बनता था, बना भी। अच्छी बात पता है क्या लग रही है, आज ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है। इस हफ्ते तीनों ट्रेडिंग सेशंस ब्रेथ डिटोरिएट हो रही थी, एडवांसेस से ज्यादा चढ़ने वाले से ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स बनते चले जा रहे थे। कल का तो उस लिहाज से एक समय बड़ा पेनफुल सेशन भी था, आज की ब्रेथ देखिए आप एडवांसेस के फेवर में, मेरे ख्याल से 2:1 का रेशियो, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 से ज्यादा दरअसल इन ग्रीन समय ट्रेड करते हुए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। खैर सवाल जब आपको सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ, कानपुर भुवनेश्वर और सूरत जाना है, सबसे पहले कानपुर से शुरुआत और सीमा सिंह जी स्क्रीन पे। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम आपका सर, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अग्रवाल साहब के लिए कौन सा? सर मेरे पास RBNL है, 200 शेयर है मेरे पास, 278.96 रुपए के, मैं इन्हें कब तक होल्ड करूं? अच्छा आपने क्यों लिया था, लंबी अवधि के लिए आज से ट्रेडिंग का मन था, लॉजिक क्या था? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बट मैं प्रॉफिट जैसे ही मिले तो मैं निकाल भी सकती हूँ। हाँ जब तेजी आ रही थी, खूब तेजी में था, तब आपने एंट्री कर ली, ऐसा था क्या मामला? हाँ हाँ सर, मुझे लगता है कि मैंने तेजी में ली है और उसके बाद बहुत डाउन भी गया है। हाँ थोड़ा सा सारे रेलवे स्टॉक्स थोड़े ठंडे पड़ गए, सही कह रहा, बहुत तगड़े रिलेट होने के बाद ठंडे पड़े। अग्रवाल सर क्या करना चाहिए यार, 40 रुपए का पर स्टॉक लॉस हो रहा है अब तो, ये लंबी अवधि में रखने लायक है या इसमें पेशेंस लूज करने से अच्छा स्विच करा जाए, निकाला जाए इसको? आप क्या करते 40 रुपए नीचे RBNL में? देखिए पहले तो क्या है कि जो गिरावट रेलवे स्टॉक्स में देखी गई वो दरअसल इसलिए देखी गई कि बहुत ज्यादा एक तो बढ़ गए थे, दूसरे उतनी एग्जीक्यूशन नहीं हुए थे जितने की एक्सपेक्टेशन थे, तीसरे अगर आप देखो तो इस तिमाही के नतीजे एक्सपेक्टेशन से नीचे आए। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से सरकार की कई कई योजनाएं हैं, कहीं रेलवे को नवीनीकरण करने की, कहीं नई रेल लाइंस बिछाने की, नई ट्रेन्स वगैरह देने की। RBNL के पास भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा सा खराब आया था, बट आगे आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक वगैरह अच्छी है। थोड़ी लंबी अवधि का समय नजरिया रखें और बने रहे स्टॉक में। लंबा नजरिया रख सकते हो आप, होल्ड कर सकते हो RBNL को। चलिए लौट के आऊंगा अगली क्वेरीज के लिए। भुवनेश्वर से राजलक्ष्मी मैम। राजलक्ष्मी मैम गुड आफ्टरनून, पहला सवाल हमारा कौन सा मैम? मैम ऑडियो जा रहा है, फिर से आप बोलो। आप शायद RCF की बात कर रहे हो, है ना? जी जी मैम, कितने पे लिया है आइडिया दोगे थोड़ा सा? ऑडियो असल में क्लियर नहीं था आपका। 184.5 और 40-45 रुपए का लॉस हो रहा है। मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या उस टाइम पे आपने भी मोमेंटम चेज किया था? फ्रीज हो गया मैम, सॉरी ऑडियो पहुंच नहीं रहा आपका। कुछ अजम्पशंस के साथ उतर जाते हैं इस क्वेरी पर। अजम्पशन ये है अग्रवाल सर कि हमने मोमेंटम चेज किया था, उसके बाद यहाँ पे भी RCF वगैरह भी मामला ठंडा पड़ गया, 140 के आसपास इस समय कामकाज और अच्छा खासा करेक्ट होके अब ट्रेड कर रहा है, अब कंसोलिडेट कर रहा है, करूँ क्या? 45 रुपए लॉस हो रहा है पर शेयर। देखिए मैं ये कहूंगा कि इस बार के नतीजे बेहद खराब है,
बॉटम लाइन में 95% के आसपास की ड्रॉप आ गई, टॉप लाइन में ड्रॉप आई, वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो 25-26 की पी पे ट्रेड कर रहा है, मुझे तो कंफर्ट नहीं दे रहा है। मैं यही कहूंगा कोई भी उछाल आए निकल जाए बेहतर होगा इसी स्पेस में, या थोड़ी सी मिलते जुलते स्पेस की बात की जाए तो इससे बेहतर स्थिति में मुझे टाटा केमिकल्स नजर आते हैं, या फर्टिलाइजर की बात की जाए तो कोरोमंडल इंटरनेशनल बेहतर बैठता है, तो कोई उछाल पे निकलने की राय रहे। निकलने के मौके ढूंढिए मैम, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में आ नहीं रहा है, कोई भी उछाल आता है अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, कोई भी उछाल में एग्जिट करिएगा, लॉस जितने भी हो बुक करके निकलना है, ज्यादा बेहतर वो स्ट्रेटेजी है। सूरत से मीरा मैम, मीरा मैम नहीं कैप्टन मीरा मैम जुड़ती हुई। मीरा मैम गुड आफ्टरनून, क्या करते हो मीरा मैम आप? और जय हिंद आशीष जी, मेरा नाम कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे है और मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं और मैं अभी एक जी और जय हिंद मैम, जय हिंद आशीष जी। और अभी तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई हैव माय कंपनी, बट साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ PhD स्टूडेंट एंड साथ ही मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट एंड स्टूडेंट ऑफ स्टॉक, और इस वजह से मैं आशीष जी स्पेशली आपको एंड CNBC को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम एंड प्लेटफॉर्म जो आप दे रहे हैं। सो स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, मतलब जो धुरंधर है मार्केट में उनके लिए तो है ही CNBC आवाज बहुत अच्छा, लेकिन हमारे जैसे जो लर्नर्स हैं उनके लिए आप बहुत आसान कर देते हैं ये चीजें। एंड आई वुड वांट टू थैंक माय पतिदेव सिद्धार्थ दवे जी हु एक्चुअली इन्वॉल्व मी स्टॉक्स में, और मेरा इंटरेस्ट जो है 2018-2020 से ज्यादा डिटेल में इसमें हुआ। So, मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम में है वो तो इंटरेस्ट ले ही रही है मार्केट में, फाइनेंसेस में, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, बट जो पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनको एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज इन्वॉल्व द फीमेल्स अराउंड यू, माता भाई बहन वाइफ सिस्टर, आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ना कि जस्ट एक्सपोज देम बट इन्वॉल्व देम। एंड सास बहू सीरियल्स के साथ साथ सास बहू सेंसेक्स भी अवश्य देखिए बिकॉज इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीरा मैम फॉर सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। मीरा मैम पहली क्वेरी कौन सी? सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है बिकॉज नाउ इज द टाइम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सो ऊर्जा में आई वॉन्टेड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आई वॉन्ट टू हैव एन एंट्री, तो मैं राजेश जी से ये पूछना चाह रही हूँ, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन सा सही एंट्री पॉइंट, कौन सा सही समय रहेगा ऊर्जा के लिए एंट्री के लिए? ऊर्जा क्यों जीरो इन करा? नहीं, बाकी रिन्यूएबल स्टॉक्स भी है पोर्टफोलियो में, बट ऊर्जा इस वजह से क्योंकि इसका जो अभी करंट वैल्यू है वो इन्वेस्टेबल वैल्यू है, इट इज लो करंटली, मतलब 6 rupees was a 2-week low and it has gone till around 46 या उसके ऊपर भी, so अभी around 22-23 है, तो is it good to invest number one point in ऊर्जा and अगर करना है तो entry point क्या रहना चाहिए? हाई से करेक्ट हो गया इसीलिए एंट्री कर लेना, आप कह रहे हो सस्ता हो गया है, एक मिनट मैम ऊर्जा का थोड़ा लंबा चार्ट खोलिएगा, ये तो सर्किट टू सर्किट वाला मामला है मैम लार्जली, और इसका एक मिनट इसका EPS भी देखना चाहता था मैं, मेरे को लग रहा है ये मामला थोड़ा, ये राजेश जी बताएंगे जब तक मैं खोल रहा हूँ। राजेश तो सर्किट टू सर्किट वाला मामला है, क्या ऐसे देखना सही है कि हाई से करेक्ट हो गया है तो ये सस्ता है एंट्री कर लूँ, और आपको ऐसा सही लगता है तो ऊर्जा में मैम इस भाव पे घुसे या ना घुसे? पहले तो मैम धन्यवाद आपकी इतनी अच्छी बातें पूरे प्रोग्राम के लिए बोलते हो, दूसरे आपने कहा कि यू आर लर्निंग, तो मैं बता दूं स्टॉक मार्केट इज सच अ प्लेस वेयर एवरी डे वी लर्न, इवन आफ्टर 30 years ऑफ माय करियर इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे कुछ नया सीखने का यहाँ रहता है। और जहां तक ऊर्जा की बात आती है जो आपने चुनी है, मेरे ख्याल से वो चॉइस सही नहीं है, आप अगर आप देखो तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का है, 7x प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, 9 महीने का रेवेन्यू जो इस साल के 9 महीने का है उसमें सिर्फ 31 करोड़ का रेवेन्यू है जिसमें 2 करोड़ की बॉटम लाइन नहीं है,
सबसे बड़ी बात है अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 550 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। आप कभी भी बाजार में ये मत देखो कि ये 20 रुपए का है या 5 रुपए का है, 10 रुपए का है इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऊपर से इतना गिर गया है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। आप फंडामेंटल्स चेक करो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो। और रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सी अच्छी कंपनियां जैसे कि टाटा पावर देख सकते हैं, बोरोसिल रिन्यूएबल्स देख सकते हैं, ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये गड़बड़ है इसका। मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ईपीएस देख रहा था, 3 पैसे का है, और फिर उस लिहाज से तो ये बहुत महंगी ट्रेड कर रही है। दरअसल करेक्ट होकर सस्ती नहीं हुई है मैम, ये बहुत महंगी ही ट्रेड कर रही है और बहुत छोटा, मतलब अवॉइड ही करिए तो बेहतर है। सर्किट टू सर्किट वाला काउंटर ज़्यादा है, ये गलत तरीका हो जाएगा, ये गलत स्टॉक हो जाएगा शायद। कोई खबर पर आए बात अलग है कभी, अदरवाइज दमखम नहीं है। सीमा मैम, अगली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास HG इंफ्रा है, 200 शेयर है मेरे पास, 931.32 रुपए के हैं, तो आप मुझे इसके लिए सजेस्ट करिए कि मैं इसको कितने लंबे समय तक होल्ड करूं। HG इंफ्रा ठीक है, तो 932 पे चल रहा है मेरे ख्याल से, 910, तो 20-22 रुपए नीचे है समय। आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है राजेश सर? लॉन्ग टर्म के लिए HG इंफ्रा बढ़िया है क्या, रख लूं? जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर राजेश पे समय बहुत अच्छा लगता है, उसमें HG इंफ्रा में बिल्कुल रह सकती है। कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, दिसंबर तक की ऑर्डर बुक 9,600 करोड़ के आसपास की है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, और इस बार के जो यूनियन बजट आया इंटरिम बजट ही था लेकिन फिर भी कैपिटल आउटले अच्छा बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, और ऐसा लगता है कि सरकार मौजूदा जो है वही कंटिन्यू करने वाली है, तो पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर ही रहेगी, बिल्कुल बने रहिए। इस बीच राज लक्ष्मी मैम का इशू आ रहा था और वो अब लिंक ड्रॉप ही हो गया है, तो कैप्टन मीरा आपके पास वापस। मैम अगला सवाल कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन है मेरा इंडस टावर के लिए, मेरे पास 1,000 क्वांटिटी है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 227, सो आई हैव अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव फॉर इट, तो मुझे क्या इसमें करना चाहिए? एक साल का टाइम होराइजन, 227 पे लिया, 254 पे चल रहा है, 20-25-30 रुपए ऊपर है, और इंडस टावर के लिए अरे सर बीच में रिपोर्ट भी थोड़ी इंकरेजिंग आ रही थी, अब वोडाफोन से पैसा आए ना आए, वोडाफोन जिंदा रह गया तो टेनेंसी वेनेंसी बरकरार रहेगी 3 प्लेयर्स की, तो है तो सब कुछ बढ़िया। अब देखते हैं कैसी पिक्चर पैन आउट होती है वोडा आइडिया की, लेकिन इंडस टावर क्या करना है, रखूं या इस अनसर्टेनिटी बीच में निकल जाना चाहिए? देखिए पहली चीज है कि ये बहुत वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन निवेश के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 6,000 के आसपास इनके टावर एडिशन हुए थे, अब जबकि 5G रोल आउट होगा तो और भी टावर एडिशन होगा, और कुछ ऐसे स्टेप इन्होंने लिए हैं कि इनकी जो डीजल वगैरह की यूसेज थी वो ड्रॉप हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स भी सुधर जाएंगे, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा हो रहा है, और जो वोडाफोन की खबर आई ना कि जो इनके 5,600 करोड़ रुपए की उधारी है वो शायद इनको रिकवरी हो जाए, तो वो तो एक अलग से तड़का होगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल यहाँ पर ये बनी रह सकती है, 270 के आसपास चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुक कर लेंगी, तो जो बचा हुआ रहेगा उसका एवरेज थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्विकली राजलक्ष्मी मैम के पास जा रहा हूँ, होपिंग हमारा लिंक बढ़िया से एस्टैब्लिश वापस हो गया होगा, आप सुनाई देगा मैम से बातचीत का जो भी आउटकम आएगा। राजलक्ष्मी मैम क्या सवाल है हमारा अगला? हमने एक RCF तो डिस्कस कर लिया। पीरामल फार्मा है मेरे पास 144 का, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम हमने? नहीं नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। पीरामल फार्मा 144 शॉर्ट टर्म के लिया था, कोई स्टॉप लॉस लगाते हो आप शॉर्ट टर्म में, क्योंकि तो 17 या 15 रुपए नीचे आ गया आपकी खरीद से। नहीं नहीं लगाया था स्टॉप लॉस। लगाते ही नहीं हो या इसमें नहीं लगाया था? नहीं लगाते नहीं। राजेश सर हम रिटेल से क्या लॉस में माल निकलता नहीं है, क्या करें हम, अभी तो खैर 17 रुपए नीचे आ गया है। देखिये तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, 14% के आसपास रेवेन्यू में थी, और जो भी इनके जितने भी वर्टिकल्स है सब में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। कंपनी के जो इंटरव्यूज वगैरह आए, मैनेजमेंट कमेंट्री, उसमें उन्होंने कहा कि वो मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन जो है वो 60% के ऊपर मेंटेन कर लेंगे, हर लिहाज से अच्छी बैठ रही है। अभी बाजार की कमजोरी के कारण से जो मिड कैप स्मॉल कैप में आई है उस वजह से गिरा हुआ है। हमारा अनुमान है 160 रुपए के टारगेट के साथ इसमें 9 से 12 महीने का अपनी समय अवधि रखें, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है तो 118 रुपए अगर तोड़ता है तो निकल जाइए। शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ ये, सिर्फ जो 118 बोला है मैंने, अदरवाइज अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते।
चलिए इस नोट पर सीमा मैम, राजलक्ष्मी मैम, कैप्टन मीरा, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैप्टन मीरा आपको मिस करूंगा उन ब्यूटीफुल लाइंस के बाद, खास तौर पे भाई सर आप बने रहो, अपन थोड़ा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन जो है शो का बढ़ाएंगे ब्रेक के उस पर। बोगिया स्टील प्रेजेंट्स मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। अपसाइड पर मिलने चेज ना करें, 2200 तक के टारगेट है। डिप्स में खरीदारी करने के मौके यहाँ ढूंढिए। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। कल निफ्टी ने क्लोजिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। इसका स्टॉप होना चाहिए 410। बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि गिरा है, बाय करें, 1480 का स्टॉप लॉस होगा। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे, जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जिसके दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्विक्शन कॉल्स क्या रहेंगे? और चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देंगे। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। IT पे तो मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है, आज का नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक महीना हो गया इस पर, कि इस साल आपके पोर्टफोलियो का 25% करीब IT होना चाहिए। बस IT में दिक्कत एक आ गई है, IT में अब वापस वैल्यूएशन जो है प्रीमियम पर आ गई है कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। 2021 वाली वैल्यूएशंस अभी भी नहीं आई है, लेकिन 22 वाली, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रीमियम पर आ गई है, तो वो रिस्क रहेगा। लेकिन क्लियरली यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और एक गो टू पॉकेट IT, जब भी डिक्लाइन आए उसमें अगर आप लेंगे तो वो आपको रिवॉर्ड करके ही देगी मोर ऑर लेस। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, फेड के मिनट्स अगर डबिश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरें होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है। डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ मुझे लगता है ये डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। एक तो ये कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान। इंश्योरेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका ROE ROC प्रोफाइल भी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कौन से फंड्स आपके लिए है फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। तो बताइए क्या होता है ये ESS हमारे दर्शकों को? ये 3 साल तक लॉक इन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं। देखिए फायदेमंद फंड्स इन वक्त पर। इस समय ना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है। चले भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निपटा दी सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो आनी थी शो की।
अब जरा सा इस लॉन्ग वीकेंड की कर ली जाए तैयारी, और तैयारी करने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। मैंने टीजर दिया था कि क्वेश्चन बढ़ाएंगे हम लौट के जब ब्रेक के उस पर आएंगे। राजेश अग्रवाल सर पूछ रहे थे, बोले इस बार मैं जरा अप टू डेट नहीं हूँ, तो पूछा था क्या देखने का है, हमेशा वो बताते थे, आज हम उनको बताएंगे। यस, क्या करना है? तीन दिन का देखो वीकेंड है, तीन दिन का है, तो OTT पे बड़ी अच्छी एक सीरीज जिसका हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, उसका नाम है महारानी 3। हुमा कुरैशी जी, यस हुमा कुरैशी जी की दो सीरीज पहले आ चुकी थी, आप लोगों ने देखी होंगी, तीसरी आ गई है, सोनी लिव पर है, उसको देखिए। दो सीरीज बहुत अच्छी थी, बिहार की पॉलिटिक्स बेसिकली लालू प्रसाद यादव फैमिली को डिपेक्ट करती हुई फिल्म वो सीरीज़ है। आई होप कि तीसरी भी बहुत बढ़िया होगी, और चूंकि वो रात में आ चुकी थी तो थोड़ा सा एक आधा एपिसोड तो मार दिया था मैंने, लेकिन बहुत देर हो रही थी, तो आज उसको मैं निपटाऊंगा। मेरे हिसाब से वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा एक और सीरीज आजकल आई हुई है जो आप लोगों ने हो सकता कुछ लोगों ने देखी हो कुछ लोगों ने न देखी हो, जिसका नाम है मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पर पड़ी हुई है। पहला दूसरे पे ही हूं मैं, भाई मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि जो उसके विश्वजीत है ना, पोशंपा फिल्म प्रोडक्शन के, बहुत ही मतलब फूहड़ टाइप की सीरीज है ना, तो उसमें एक्टिंग मुझे लग रहा था एंड में कुछ स्टोरी बनेगी, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट के दो एपिसोड शायद अच्छे हैं, अभी तो मैं वहां तक पहुंचने में हिम्मत ही नहीं हो रही, समय इतना लग रहा है क्योंकि वो एक 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 एपिसोड झेला हुआ है, वो ऐसा वाला है आपने बिना दिमाग के देखा, देखते रहे तो चार, जैसे वो थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा यार, नहीं वैसा टाइप कुछ, या तो स्टोरी अच्छी हो या एक्टिंग अच्छी हो, उसमें दोनों खराब है, तो मेरे हिसाब से वो मामला लीगल है बहुत ही खराब बनी है। आप अवॉइड करने में कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रोडक्शन हाउस की यानी पोशंपा की ही काला पानी जिन्होंने नहीं देखी, जो काफी पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बहुत अच्छी चीज, अगर नहीं देखा है तो तीन दिन का समय वो आप देख सकते हैं। ये है OTT प्लेटफॉर्म, बड़े पर्दे पे मैं लिए चलता हूँ आपको। इस वीकेंड आ रही है, इस वीकेंड क्या कल रिलीज हो जाएगी शैतान। तो मैंने जब आर्टिकल 370 देखी थी तो उसका ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग था। ये क्या हॉरर है क्या? हाँ, वो अजय देवगन है और वो माधवन साहब हैं, और माधवन साहब विलन है। अच्छा, भूत प्रेमी, और वो ब्लैक मैजिक है। तो उस ट्रेलर में इतना समझ में आया कि अजय देवगन की डॉटर का वशीकरण, और फिर उन्हीं के घर पे उसको कंट्रोल कर रहा है, एंड दे आर हेल्पलेस, पेरेंट बच्ची के, मतलब अजय देवगन और उनकी वाइफ हेल्पलेस है। गजब का वो ट्रेलर है। राय सर देखने का मन बना रहा होगा वीकेंड पे? बिल्कुल, दो अच्छे दमदार एक्टर अजय देवगन और माधवन साहब हैं, हॉरर मूवी है, और ट्रेलर भी मैंने देखा था, जैसे आप बता रहे हैं उसको देख के थोड़ी एक्साइटमेंट तो बिल्कुल आई है। yes. और देखना तो बनता है इसको। कल नहीं देखूंगा, लेकिन मैं कल क्यों नहीं देखूंगा? हाँ, ये कवाल सवाल सही है। कल मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करूंगा दिल से। ओके, या सो लापता लेडीज देखूंगा कल मैं। किरण राव और जो भी दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, 100 रुपए में कल टिकट ऑफर करा है। अब तक क्या था, किसी मल्टीप्लेक्स चेन के ऑफर आते थे, ये प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफर है, तो अक्रॉस मल्टीप्लेक्स चेन आपको कल इस मूवी का हर जगह 100 रुपए का टिकट है। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने बुक कर ली, अब मेरा रिस्क नहीं है, अब आप लोग बुक कर। अब देखो, अब ऐसा बता दिया पब्लिक में, बुक भी नहीं होगा। 100 में तो निपटा सकते हैं क्योंकि इसका ट्रेलर भी इंटरेस्टिंग था। राय सर तो फिर ये वाली बाद में देखेंगे, पहले ये निपटा सकते हो चाहो तो आप। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। अच्छा, मैच तो चल ही रहा है, जो इन सब सब कुछ जब बकवास लग रहा है आपको, तो आप मैच निपटाइए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट इस समय अंडरवे है, वो वीकेंड में चलता रहेगा। चलिए, इस नोट पर अब एक काम करा जाए, इस शो सास बहू और सेंसेक्स के वीकेंड स्पेशल को समेटने का वक्त। अब आपसे मंडे को 12:27 में वापस मुलाकात। नमस्कार। यहाँ पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया। सपोज करिए बैंक्स पे चलने लग गए तो,
HDFC बैंक अब तक चला नहीं है, उसकी पूरी मीम फैक्ट्री बन चुकी है, अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट दूर हैं ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना था? 48,000 समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर, जैसे एक बार जरा, हाँ निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई था करीब करीब 48,636, और अभी हम हैं कितना, एक बार जरा वापस बैंक निफ्टी ले आइए, 46,619, एग्जैक्टली 2000 पॉइंट दूर है अभी हम बैंक निफ्टी। 2000 पॉइंट मतलब इस लेवल पे 4% हो गया, 4% छोटा नहीं होता। तो बैंक निफ्टी अभी चला नहीं है, उसके बावजूद निफ्टी इतना चल गया। और एक जो चीज़ आपने पूछी थी ना, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपके वर्सेज मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लेकिन ये चीज़ 6 महीने से चल रही है। 6 महीने से हर कोई बोल रहा है कि अब लार्ज कैप चलेंगे, अब लार्ज कैप चलेंगे, अब मिड कैप में पैसा नहीं बनेगा और वहाँ से मिड कैप और चलें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें और वैल्यूएशन नाम को भूल ही जाएं। ऑब्वियसली इस समय मनी पावर है जो मिड कैप और स्मॉल कैप को ड्राइव कर रही है, लेकिन लार्ज कैप अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी भी हम निफ्टी पर कितना, मेरे ख्याल से निफ्टी की EPS के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक 19 टाइम पर ट्रेड कर रहे होंगे, पीक बनता है हमारा 23 टाइम्स पर निफ्टी में, तो अभी तो मेरे ख्याल से पीक से हम काफ़ी दूर हैं। एक धमाकेदार लाइव शो, मैं आज सूरत, लखनऊ, चेन्नई जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 4-5 साल पहले जो शेयर्स लिए थे, कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है। तो मेरे पास 600 शेयर्स हैं, क्या इनको होल्ड ऑन रखना चाहिए? कौन सा टारगेट होगा कि ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। पार्शियल प्रॉफिट की मैं राय दूंगा, तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी वो तो लौट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफा भी लौट आएगा। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवास पर। एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफी क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। आज से बेहतर दिन नहीं मिल सकता आपको एक रैली के लिए। मार्केट के लिए क्यूज बहुत अच्छे हैं। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। यहाँ पे आपको वॉच आउट करना है खुलने के पहले, कहाँ स्टेबलाइज हो रहा है, तेजी पकड़ रहा है तो पहले घंटे के जो लोज है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। बाय ऑन द डिप्स एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ये एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए क्योंकि टेक्निकल रूप से बहुत ही बढ़िया लोग। देखिए मुनाफे की तैयारी। पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू बुक। आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशन कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में NBFC पे। प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ एक लाल में। बैंक और IT इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए। जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदर्शन दिखाई रहे, तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवास पर। इस समय ना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक आप रोज मतलब एक शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली, ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो
प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेज था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुँच जाए तो। अब देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं ना कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं, लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद बाजार में कंसोलिडेशन, सिर्फ 100 अंकों में घूम रहा है निफ्टी। निफ्टी बैंक में हल्की कमजोरी, मिड कैप्स में आज रिकवरी, करीब 0.5% ऊपर इंडेक्स। M&M में आज 4% की गिरावट। कंपनी के प्रमोटर 1.16 करोड़ शेयर्स खुले बाजार में बेचे, 2245 करोड़ में हुआ सौदा। कंपनी ने कहा आगे और कोई शेयर बेचने की योजना नहीं। भारतीय एयरटेल में सिंगटेल ने बेची 0.8% हिस्सेदारी, 5850 करोड़ में हुआ सौदा। US इन्वेस्टमेंट कंपनी GQG पार्टनर्स ने खरीदा पूरा हिस्सा, अब भी सिंगटेल की कंपनी में 29% हिस्सेदारी। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट और CCA की बैठक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के 10,000 करोड़ के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। भीम UPI के लिए बड़ा ऐलान संभव, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और उज्ज्वला LPG सब्सिडी योजना को 1 साल बढ़ाने का फैसला ले सकती है सरकार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और एनिमल फीड बनाने वाली मुक्का प्रोटीन्स की दमदार लिस्टिंग, BSE पर 57% प्रीमियम पर 44 रुपए पर हुआ लिस्ट। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कल रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे, मिडकैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन दिग्गजों में खरीदारी थी। आज भी शुरुआत ठीक हुई, लेकिन अब रिकॉर्ड हाईज छूने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी हालांकि 22,500 के ऊपर नीचे ही घूमता हुआ दिखा है सुबह से लेकर अब तक, फिलहाल एग्जैक्टली 22,500 पर कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक कल एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, 150 अंक नीचे आज के कारोबार में निफ्टी बैंक है। लेकिन जहां स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर कल की गिरावट के बाद या पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं मिड कैप्स, यहाँ पर 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एक बार देखते हैं आपके मार्केट ब्रेथ किस तरीके की है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको मार्केट में पॉजिटिव दिखाई देगी। यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स के। फिलहाल लेकर आते हैं एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने। 1544 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 730 शेयर्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है आज और कौन से वो दिग्गज हैं जो कि दबाव क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेट करते हुए, ICICI बैंक, रिलायंस, M&M और BBCL की तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी समझ लेते हैं। एशियन मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं जो कि मिक्स हैं आज के कारोबार में। इनफैक्ट निकेई, हांगकांग और शंघाई ये तो काफ़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक कॉस्पी है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार, अगर आप तमाम एशियाई मार्केट से क्यूज लेंगे तो यहाँ पर कोई खास संकेत है नहीं एशियन मार्केट से भी। अब देखते हैं आप अमेरिका के फ्यूचर्स, तो यहाँ पर प्रेशर है। 88 अंक नीचे डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है जो कि 1/4% नीचे हुआ। नैस्डैक का फ्यूचर तो 0.5% रुका हुआ है। तो US से क्यूज थोड़े से खराब हैं आज के बाजार में। अब ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स को भी समझेंगे। लेकिन अब तक हुआ क्या है की एक्शन मार्केट में, रुक करते हैं बाजार की बड़ी बातों का। तो बाजार में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद निफ्टी फ्लैट कारोबार करते हुए, 22450 के ऊपर है लेकिन 22500 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 150-200 अंक नीचे है, लेकिन मिड कैप्स मजबूत है आज के कारोबार में। अब 0.60% की तेजी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। एक सेगमेंट या पॉकेट जो चहक रही है वो है टाटा ग्रुप से जुड़े हुए स्टॉक्स। टाटा सन्स के IPO खबर के बाद टाटा ग्रुप स्टॉक्स में रौनक देखने को मिल रही है। स्पेशली टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक 11% तक ऊपर है
हैं आज के कारोबार में। मेटल, पावर, कैपिटल गुड स्टॉक्स, यहाँ भी थोड़ी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। निफ्टी मेलेड इंडेक्स 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी और ऑयल एंड गैस पैक थोड़ा सा लगाड़ है आज के सेशन में, जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ रूपक डे मौजूद है LKP सिक्योरिटी से। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी में राय मेरा रहेगा पॉजिटिव राय रहेगा, जब तक 22,400 होल्ड कर रहे हैं। और स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स, 400 के आसपास बाय करना चाहिए निफ्टी में। और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 22,700 तक जाएगा। और बैंक निफ्टी का एक बार सपोर्ट चाहिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट आज का दिन नहीं मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर एंड बैंक निफ्टी 48,500 तक जा सकता है। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रूपक आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी हाँ, मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में 1320 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1214 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा BEL। इस स्टॉक ने 2-3 दिन का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। मेरे ख्याल से स्टॉक वेरी शॉर्ट टर्म में 225 तक जा सकता है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 210 के नीचे। तो टाटा कंज्यूमर और BEL यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, तेजी के ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स की ओर अब रुख करते हैं और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चहक रहे हैं और इसीलिए सबसे पहली पॉकेट वही आपके सामने लेकर आते हैं जहाँ पर शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। टाटा सन्स की लिस्टिंग का बज जिसकी वजह से पूरा ग्रुप चहक रहा है। टाटा केमिकल्स 11% ऊपर है, टाटा पावर में 8% की तेजी है, 5% ऊपर टाटा इन्वेस्ट, नेल्को 7.5% के उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। टाटा ग्रुप के बाद लेकर आते हैं हेल्थ केयर स्पेस के शेयर्स। बायोकॉन 3.5% ऊपर, 3% ऊपर लॉरस लैब्स है। ग्लेनमार्क फार्मा में 3.5% का उछाल। फोर्टिस हेल्थ केयर 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। IT में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 2.5% ऊपर है, 3.5% ऊपर जेंसरटेक है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेरा 2.5% ऊपर और टाटा लेक्सिंगटन भी 1.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। केमिकल्स में बोडल केमिकल, थिरुमलाई केमिकल, सुदर्शन केमिकल 4% तक ऊपर है। 3.5% ऊपर बोडल केमिकल है, थिरुमलाई केमिकल भी 3% ऊपर है। NBFCs में GIC हाउसिंग फाइनेंस 1.5% ऊपर, 3% ऊपर श्रीराम फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस 4.5% ऊपर है। चोला फाइनेंस में भी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हेबल्स 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर ब्लू स्टार, वोल्टास 2% ऊपर है। वर्लपूल में 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं दो पॉकेट्स जहां पर दबाव है। रियल्टी में प्रेस्टीज 4% लुढ़का हुआ है, 2.5% माफ कीजिए, ब्रिगेड 4% लुढ़का हुआ है। सुबह में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स जो दबाव में, उसमें राजेश एक्सपोर्ट 3% नीचे, 2.5% नीचे नेपॉन लाइफ, GIC 2% नीचे है। HPCL में भी 1% की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल फिलहाल, जहां पर सेलेक्ट पॉकेट से जहां अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे टाटा ग्रुप की। दरअसल टाटा ग्रुप जल्द ही टाटा सन्स का IPO ला सकती है और 1 से 1.5 साल में टाटा सन्स को लिस्टिंग भी करा सकती है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ कि किन किन टाटा स्टॉक्स पर सीधे इसका असर होगा, क्योंकि ग्रुप में तो एक्शन है आज इस खबर के बाद, बताइए सुमित। तो टाटा सन्स का एक मेगा IPO और उस मेगा IPO के इंपैक्ट तमाम ग्रुप कंपनीज के अंदर हमने आता हुआ देखा है। एक बड़ा IPO आ सकता है और टाटा सन्स का IPO ला सकता है टाटा ग्रुप। इस IPO के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग इस ग्रुप के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट कहता है करीब करीब 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप की इस IPO की जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, इस कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू रह सकती है। और IPO का साइज करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इस ग्रुप में जो टाटा सन्स के निवेश की वैल्यू है वो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखे हैं। कुछ कंपनियां जिनकी क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और इंडियन होटल, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। एक एक करके आप पहले IPO का जो पूरी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आएगा, जहां पर टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग में देवरावजी टाटा ट्रस्ट की करीब 28%, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, अन्य ट्रस्ट की 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट की करीब करीब 9% है। अब कुछ वो कंपनियां जो कि लिस्टेड है और टाटा सन्स के अंदर हिस्सेदारी रखती हैं, टाटा मोटर्स करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2%, इंडियन होटल 1% और अदर कंपनीज में करीब करीब 7% अदर में आते हैं जो कि हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स के अंदर। किस तरह का मेगा इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा?
पहला आता है टाटा केमिकल, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों? 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टाटा केमिकल की, और जो टाटा सन्स में हिस्सेदारी है इस कंपनी की, उसकी वैल्यू करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि इस मार्केट कैप का 66% हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट टाटा केमिकल के पास है। टाटा पावर करीब 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। टाटा सन्स में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू करीब 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए के आसपास, हिस्से की मार्केट कैप यानी कि कुल हिस्सा इनकी मार्केट कैप का करीब करीब 10% के आसपास का हिस्सा ओन करता है। टाटा मोटर्स करीब 3,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। टाटा सन्स में हिस्से की वैल्यू 19,800 करोड़, क्योंकि 3% स्टेक है इनका, जो कि कंपनी की मार्केट कैप का महज 6% के आसपास है। और चौथा नाम है इंडियन होटल, जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप रखता है। टाटा सन्स में इनका 1% स्टेक है, 8,700 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, और हिस्सा इनकी ओवरऑल मार्केट कैप का 11%। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा केमिकल है, जिसका 66% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल मार्केट कैप का। तो एक अच्छी डीप वैल्यू वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से एक बढ़िया जोरदार तेजी स्टॉक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये टाटा केमिकल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इसमें वो पूरा कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस जो है ना वो सब यूज हो रहा है। ये देखिए, चार चार लाइनें एक साथ यहां पर इकट्ठी एक ही जगह पर आ रही हैं। कोविड के टाइम से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है वहां पर इसने सपोर्ट लिया, और 20, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम उसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न रीरेटिंग का, आज की जो रीरेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर से काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है। टाटा केमिकल्स वापस लेकर आइए, डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक 13% के गेंस के साथ। अब ये तो कल से ज़्यादा आज चल गया, कल भी चला था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी में टाटा केमिकल चला। पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए, करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहाँ से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपने देखा किस तरीके का इम्पैक्ट टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हो सकता है, और क्यों ये स्टॉक्स इतना रिएक्ट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी यहाँ पर रूपक राय दे चुके हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स पर राय ले लेते हैं। जिनके पास शॉर्ट टर्म किसी का अगर व्यू हो तो वो क्या करें अभी, प्लस इस खबर के बाद जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल लग रहा है, आगे के लिए टेक्निकली क्या टारगेट्स वो देख रहे हैं टाटा केमिकल्स में, बताइए रूपक। हाँ जी, टाटा केमिकल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिसेंट रैली हुआ, ये राइजिंग वॉल्यूम हुआ, जितना रैली प्राइस में उतना ही रैली उतना ही इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है जो प्राइस जो रैली को सस्टेन करने में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आराम से 1500 तक भी जा सकता है, तो अभी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 1180 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और 1500 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट ओपन रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ जाना चाहिए। चलिए, टाटा केमिकल्स पर ये राय रही 1318 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.